पंचरूपा रूप धरि कृष्ण रसेवाना श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूपा रूप धरि को सेवा वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन इस प्रकार से है श्री बलराम बलराम गोसाई द लॉर्ड मूल संकर्षना द ओरिजिनल पंच रूप धरी एक्सेप्टिंग फाइव बॉडीज कोरेना कृष्णेरा ऑफ लॉर्ड कृष्णा सेवना सर्विस ट्रांसलेशन

श्री साग्र जा सहगण रघुनाथन्वतम तम सजीव साध्वैतम सवधूत पजन सहित कृष्ण श्रीराधा कृष्ण पदगण लिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पथे गोपेश गोपिकाधा का नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रिवा कलपतरूभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअत गाधर शिवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो कृष्ण कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यारिने मुखम वाचालं पंगुम लंगा कृपातमंदे श्री गुरु दीन परमानंद परमाधव श्री चैतन्यम जय गुरुदेव जय श्री जय हरे कृष्ण तो मुझे श्री जी प्रभु ने कहा कि आज हम सर्विस एटीट्यूड के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे लेकिन सारी एक्सप्लेनेशन हम क्या ही दें हम अगर सिर्फ श्री जी प्रभु जी को देख लेंगे तो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा That's it. प्रभु जी पीछे बैठे हुए हैं और प्रभु जी पीछे पीछे रह करके सारा कार्यभार संभाल लेते हैं जैसे एक समय चलो भक्ति सिद्धांत सरस जी लेक्चर दे रहे थे उत्तम वैष्णव मध्यम वैष्णव कनिष्ठ वैष्णव भला क्या होते हैं तो बताया है, कनिष्ठ वैष्णव क्या होता है फिर तो बताया मध्यम वैष्णव क्या होता है फिर जब उत्तम की बात आई तो क्लास में श्रीलोक गौर किशोरदास बाबूजी महाराज जी बैठे हुए थे उनका उत्तम वैष्णव के बारे में क्या ही कहूँ आप बस श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को देख लीजिए बस यही होते हैं उत्तम वैष्णव तो उसी प्रकार से हम सर्विस एटीट्यूड के बारे में क्या ये बोले हम तो श्रीजी प्रभु जी को ही देख लें तो लेक्चर कंप्लीट हो गया एनी क्वेश्चंस दैट्स इट पर क्योंकि प्रभु जी ने सेवा दी है तो मैं अपनी आत्मशुद्धि के लिए और भक्तों के मनोमंजन के लिए और साथ में आत्मरंजन करने के लिए और थोड़े से मनोरंजन के लिए भी कुछ कदा करने का प्रयास करूंगा ठीक है जी तो यहां पर आ रहा है श्री बलराम गोस्वामी मूल संकर्षण अच्छा तो फिर मूल संकर्षणों के वो करते क्या हैं पंचरूप धरी करें कृष्ण रे सेवन सो बलराम जी के अंदर सर्विस एटीट्यूड इतना ज्यादा है कि एक रूप में सेवा करने का उनका भरता नहीं उनका हिसाब किताब करा पंचरूप धरी हम सब जानते हैं कि भगवान के साथ जो रस है वो पांच प्रकार के रस होते हैं शांत रस दास्य रस साखी रस वात्सल्य रस और माधुर्य रस इन पांच रसों में भगवान की सेवा होती है और कोई भी एक भक्त को कोई एक पर्टिकुलर रस में सेवा मिलती है राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीमती राधा रानी वो माधुर्य रस के अंदर है राइट और यहां से अगर होता है में भक्ति की शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई फिर आप कृष्ण की सेवा में उनकी लीलाओं में प्रवेश करेंगे तो आपको कोई एक रस प्राप्त होगा या तो एक शांत रस में या फिर दास रस में या फिर साखे रस में या फिर वास रस में या फिर माधुर रस में कोई एक रस में हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन बलराम जी को एक रस में सेवा करने से उनका काम चलता नहीं कहते हैं तो पांचों रसों में सेवा करनी है सो so इन पांचों रसों में वो सेवा करते हैं अच्छा शांत रसम वाला कैसे सेवा करते हैं बलराम जी भगवान की सेवा कैसे करते हैं जितना भी मंदिर में आप देखते हो फ्लोर दीवार भगवान की ऑफरिंग प्लेट उनके कपड़े उन ये जो कुछ भी है एक्चुअली इट इज ऑल एक्सपेंशन ऑफ बलराम ये मृदंगा इज बलराम जो भी पैराफन ने लिया है जो भगवान की सेवा में लगता है दैट इज बलराम जी तो इस प्रकार से बलराम जी सेवा करते हैं भगवान की इन इन शांत रस जैसे भगवान का धाम भगवान का धाम किससे बनाए बलराम जी के तत्व से बनाए ऐसे देखा जाए कृष्णा इज वेरी ब्रांड कॉन्शियस गॉड कि हमें हर चीज से बलराम ब्रांड की कोई ऐसा होगा जो बोले जूता होना चाहिए एडिडास का जींस चाहिए एडिडास की शर्ट होना चाहिए एडिडास की पराठा भी खाऊंगा एडिडास का मसाले भी यूज करेंगे तो एडिडास के ऐसा कोई होगा नहीं ना लेकिन एक ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ एडिडास का ही सामान इस्तेमाल करता है एंड दैट इज कृष्णा कृष्णा का सारा एक ही ब्रांड है उनका कौन सा ब्रांड आदिदास the original servant आदिदास ऐसी एडिडास कंपनी क्यों चल रही है उनको भी नहीं पता उनको लगा हमने शायद नाम बहुत अच्छा रखा है रखा है एडिडास पर उन्होंने बलराम जी के नाम पे अपनी कंपनी का नाम रख दिया आदिदास द ओरिजिनल सर्वेंट जैसे प्रभुपाद जी बोला करते थे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटॉर गॉड हेड इज डॉट बलराम जी तो इस तरह से वो तो है, अंदर है साखे रस भी है साथ ही बड़े भाई है तो इससे रस भी है उसके अंदर और माधुर्यस करते हैं बलराम जी एक्सपैंड हालांकि उनका नाम मंजरी लेकिन बट एक्शीज गोपी

उसके बाद भी अगर कुछ शेष बच जाए तो वो भी कर दैट इज अनंत शेष तो सेवा करने के लिए ऐसी आतुरता होना दैट इज द द कोर फंक्शन ऑफ सोल अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसी और की सेवा करेंगे लेकिन सेवा के बिना हम नहीं रह सकते जैसे कई लोग हैं मंदिर नहीं आते लेकिन बाहर कुत्ता घुमाते हैं वो लोग तो कुत्ते की सेवा करेंगे वो कुत्ता चल रहा है साथ में कुत्ता टांग पर करेगा और ये स्वाई स्वाई भक्त है बोलिए टॉमी जी करिए टांग उठाइए करिए और टॉमी फिर बलमुते त्यागते और वो प्रतीक्षा करता है क्या हो गया खड़े क्यों है मेरे इष्ट देव कंफर्टेबल हो रहे हैं तो so प्रभुपा जी बोला करते इफ यू विल नॉट सर्व गॉड देन यू विल सर्व डॉग बट यू विल सर्व सेवा के बिना तो हम रह नहीं सकते पर किसकी सेवा करनी है आप ये हमें चुनना है पर हम सोचा मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा मैं समझ रहा ना किसी की सेवा नहीं करोगे तो अपनी इंद्रियों की सेवा करोगे अपने मन की सेवा करोगे अपने अहंकार की सेवा करोगे लेकिन सेवा तो करोगे ही करोगे जी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा सब सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा की डायरेक्शन क्या है वो है मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो इसलिए सेवा को लेकर क्या आना टुवर्ड्स कृष्णा टुवर्ड्स डिवोटीज दैट इज बेस्ट दमायण के अंदर बहुत अच्छा प्रसंग आता है इस समय जब शबरी के यहाँ गए शबरी से मिले थे श्री रामचंद्र उनके झूठे बेर भी भाई थे सबको पता है इस बारे में

वृक्ष के कौन से फूल है मैंने ऐसी मैंने कभी, कभी नहीं। तो शबरी ने बताया कि ना जय कृष्ण की भगवान तो की जय तो शबरी ने बताया कि ना ये बड़े विशेष किस्म के वृक्ष हैं कौन से विशेष किस्म के वृक्ष है ये बताया कि ना मेरे जितने भी शिष्य थे मतंग ऋषि के शिष्य थे ये के सब गुरुदेव की सेवा करते थे और सेवा करते हुए जो उनके शरीर से पसीना निकलता था और जहां पसीना गिरता था उस पसीने की बूंदों से वहां पर वृक्ष निकलते थे ये वाले वृक्ष और उनसे जो फूल निकलते हैं उनकी महक से उनकी सुगंध से ये सारा आश्रम महक रहा है तो ये आश्रम किससे महक रहा है शिष्यों ने जो गुरुदेव की सेवा की उनके पसीने की बूंदों से उगे हुए जो वृक्ष हैं, उससे निकले हुए फूलों से वह महक रहा है तो यानी कोई भी पवित्र स्थान भला महकता है तो किससे महकता है उस स्थान में रहने वाले भक्तों की मेहनत से जो पसीना गिरता है उसकी खुशबू पसीने की तो बदबू होती है प्रभु जी हमें तो लगाना पड़ता है बदबू ना जो भगवान की सेवा में जब हम पसीना बहाते हैं फ्रेग्रेंस तो कोई भी मंदिर किससे महकेगा किससे सुगंधित होगा आप सबकी मेहनत से यानी आप कितना मंदिर आ करके सेवा रेंडर करते हैं और पसीना बहाते हैं भगवान की सेवा में दैट इज मोस्ट टेंट तो इसीलिए सेवा करना से, जो करता है सेवा उसे मिलता है कृपा का मेवा यस yes. इनफैक्ट राम जी पहली बार जब हनुमान जी से मिले तो ना राम हनुमान जी से बात नहीं कर रहे क्या करें लक्ष्मण इनको बताओ कि हम लोग अयोध्या से हैं लक्ष्मण इनको बताओ कि हम इस समय वनवास में है इनको ये बताओ कि हम सीता की खोज में है लेकिन राम जी ना हनुमान जी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे क्यों क्योंकि हनुमान जी ना वेश बदल के आए थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुग्रीव सुग्रीव कहा जाओ पता करके आओ ये कौन लोग आए वनवासी लोग धनुष बाण भी लिया हुआ है वनवासी भी है ये तो ऑक्सीमोरॉन हो गया जो धनुष बाण लेते हैं वो पहनतेष्बाण नहीं पहनते जो पहनते जो धनुष बाण नहीं लेते लेकिन नहीं पहने हुए हैं धनुष बाण भी लिए हुए हैं क्या मामला है ये पता करके आओ तो हनुमान जी वेश बदल करके पूछने के लिए आए थे तो राम जी कैसे बात करें लक्ष्मण इनको बताओ हम अयोध्या से लक्ष्मण को बताओ हमारा नाम राम और लक्ष्मण है लक्ष्मण को बताओ लक्ष्मण बताओ जब उन्होंने बताया कि अरे अरे ये राम रा, राम और लक्ष्मण मेरे प्रभु श्री सारा सारा फैंसी ड्रेस बात शुरू की। इसके पहले ही वॉज कनेक्शन टू सुग्रीव पर जैसे बताया प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं हनुमान जैसे इस आइडेंटिटी को रिवील किया अपना आधार कार्ड दिखाया हनुमान सर्वेंट ऑफ श्री राम तब श्री राम जी ने डायरेक्टली बात करना शुरू किया तो यानी कि हम भी जब अपने आप को भगवान का शरण मानते हैं रुक्मिणी कृष्ण का शरण मानते हैं तभी तो फिर सेवा कर पाएंगे उसके बाद क्या हम ये मानते हैं अपने हृदय के अंदर कृष्ण मानते हैं हृदय में हृदय की में मानते हैं कभी कभी शरण में जाते या, या, कभी -कभी.

से हमें भगवान की साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए उनके सेवक के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के ये पहले साउंड ठीक था अभी खड़ा हुआ ना थोड़ा साइट छेड़ा right? छाड़ी कॉरी ठीक है सो so, श्री चैतन्य महाप्रभु अब जब वो आ, लीला में है सो प्रहर लीला तो सारे भक्त जो है उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं लेकिन एक भक्त है जो कि ना उनसे पर्सनली मिलने के लिए तो नहीं आ रही लेकिन वो गंगा नदी में जाती है वहां से पानी भर करके लेकर के आती है और वो भक्तों को देती है और भक्त लोग जो है भगवान का अभिषेक कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का तो सबको लग रहा है अरे हम अभिषेक कर रहे हैं नाइस लेकिन ये जो लेडी थी जो सेविका थी श्रीवास ठाकुर के घर में वो अभिषेक नहीं कर थी बस वो दौड़ दौड़ के जाती थी गंगा नदी से मटकियां भर करके लेकर के आती थी कि आप भक्तों का अभिषेक करना होगा भगवान जी का दौड़ दौड़ के जाती थी लेकर पसीने तरबतर हो रखी है और इसलिए महाप्रभु की नजर पड़ी उस से पानी लेकर के आ रही है उन्होंने तो बोला महाप्रभु हमारी सेविका है अच्छा उसका नाम क्या है बताया तो उसका नाम है दुखी महाप्रभु ने कहा जो ऐसे दौड़ दौड़ के सेवा कर रहा है उसका नाम दुखी कैसे हो सकता है आज से उसका नाम है सुखी तो जो भगवान की सेवा करेगा वो दुखी नहीं रहेगा वो क्या रहेगा सुखी यस yes. और अच्छी बात क्या है इस सेविका के अंदर वो ऐसे नहीं लाइमलाइट में होकर ही सेवा करना चाहती है कि थोड़ा हम भी आगे के रहे थोड़ा हम भी दिखें हमारे पर भी नजर पड़े हम भी ऐसे आगे आगे आए और दिखे देखो, देखो 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 हम भी आते हैं हम भी हम भी हम भी हम भी, हम, भी हम भी है ऐसा किया ना वो तो दास दासानुदास इस सेविका के भाव में रह करके वो दौड़ दौड़ करके लेकर के आ रही है महाप्रभु की सेवा में भक्तों की सेवा में इसलिए महाप्रभु की नजर किस पे पड़ी उस पे पड़ी यानी कि जो दास दासानु दास होकर के सेवा करना चाहता है ऐसे भक्तियों पर भगवान की नजर सबसे पहले पड़ती है जो बॉस बॉस बॉसानु बॉस बनकर के जीना चाहता है उस पर नजर हटाया जाए भगवान कहते हैं ये टपोरी है लेकिन जो दास दासानु दास बनकर ही सेवा करना चाहता है भगवान की नजर सबसे पहले उस भक्ति पड़ती है और इसका सबसे उत्तम उदाहरण हमारे बीच में है श्रीजी प्रभु जी का प्रभु जी हालांकि प्रेसिडेंट हाल लेकिन वो बॉस बॉस नहीं रहते प्रभु जी रहते हैं दास दास हमने देखा जो रथ यात्रा थी तो प्रभु जी दौड़ दौड़ करके भक्तों को प्रसाद देने हैं किसी को फ्रूटी पकड़ा रहे हैं किसी को फ्रूट पकड़ा रहे हैं किसी को ड्राई फ्रूट पकड़ा रहे हैं है। तो वैसे गीता में लिखा है फल की इच्छा मत करो लेकिन प्रभु जी उस दिन फल की इच्छा कर रहे थे लेकिन भक्तों की सेवा में अगर कोई आ, उस पर है ट्रॉलर पर है ट्रॉली पर है कीर्तन कर रहा है तो उसमें उनको प्रसाद पकड़ा रहे हैं मैंने देखा प्रभु जी बस पे चढ़े हुए थे बस पे लटके हुए हैं और साथ में प्रभु जी प्रसाद पकड़ा हुआ है और जाके भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं सो प्रभु जी का भाव कैसा है दास दासानु दास का भाव राइट तो इसे ऐसा भाव रखने वाले भक्तियों पर भगवान की नजर सबसे पहले पड़ती है तो कौन है वो दो दास दासानु दास बनकर के सेवा कर रहा है और बॉस बॉसानु बॉस उसके तो भगवान देखते भी नहीं है भलियो कितना ताम झाम झिंटा खो करके वो कपड़े वे एकदम बॉर्डर वाला कुर्ता बढ़िया वाली गोपी ड्रेस पिंक कलर की गोपी ड्रेस पिंक कलर का बीट बैग पिंक कलर का तिलक नजर किस पे जाएगी भगवान की जो दास दास अनुदास बनकर की सेवा करते हैं ऐसे भक्त भगवान की नजर सबसे पहले पड़ती है एक समय प्रभुपा जी बैठे हुए थे और प्रभुपा जी क्या करे थे जो ग्लोब होता है ना ग्लोब ग्लोब घुमा रहे हैं ऐसे ग्लोब को घुमाते हैं भक्ति चारू स्वामी ऐसे करे प्रभुपाद जी ग्लोब घुमा रहे थे और ऐसे करे थे तो शिष्य ने बोला प्रभु आप क्या हो ग्लोब घुमा करके उस पर एक शिष्य का नाम बोल देते हो प्रभुपाद जी ने बोला मेरे इतने जिम्मेदार शिष्य हैं कि अब आई कैन जस्ट रिटायर

इससे गुरु बहुत खुश होते हैं ये और प्रभुपाल पूछा किसी ने कि वट इज द सीक्रेट ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस तो प्रभुपाल ने बोला वेन अ डिसाइपल टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन बिहाफ ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर दैट इज अक्रेट ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस तो ऐसे नहीं हम सालों साल क्या करेंगे हम गेस्ट बने रहेंगे बस कहते हैं अच्छा लगता है हमें हरे कृष्णा आइए आपका स्वागत है थैंक यू हम सालों साल ही बने रहेंगे बस

तो के साथ कभी ट्रैवलिंग करती थी सो so, ये थी और साथ में थी टिफिन खोला उसमें ठंडे थे, थे। प्रभा जी बोलते हैं राइस मीनस हॉट राइस ओके शिल प्रोपाल तो ये मो माता जी गई पेंट्री में गई चलती ट्रेन है अभी पेंट्री में गई कहते हैं मेरे को ना कुकिंग करनी है

माता जी ना चलती हुई ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हुए अगर तुमने नहीं दिया ना यहाँ से कूद जाऊंगी मैं और लेटर लिख के जाऊंगी मेरे आ, मेरी ये आत्महत्या तुम लोग हो कहते आओ करो बनाओ बनाओ उसके बाद फिर यमुना माता जी ने श्री प्रभुपाद जी के लिए राइस गर्म किए फ्रेश राइस बनाए नए राइस यानी पुराने राइस को उसे गर्म कर दिया फ्राइड राइस बना देती हूँ पुराने राइस है उसे में कुछ सब्जी डाल करके घुमा दो फ्राइड फ्राइड राइस राइस प्रभुपाद फ्रेश राइस बनाए वहां से राइस लिया वहां के बर्तन को पहले मांझा अच्छे से क्योंकि उसमें उसमें सब बना होता है अच्छे से पहले उसको मांझा फिर राइस गर्म की राइस बना करके फिर प्रभुपाद के पास पहुंची प्रभु राइस हॉट राइस और राइस में से जो है उसमें से धुआं निकल रहा है प्रभु ने बोला यमुना यू आर माई गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून यू आर माई गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इसलिए क्या होती है लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी से जो मांगो

और उज्जवल नीलमणि और गोविंद राधा कृष्ण लीला ऐसा कुछ महाराज बोलेंगे महाराज ने बोला इफ आई एम टू टीच ओनली वन थिंग टू माय डिसाइपल्स आई टीच देम हाउ टू डील विद अदर्स दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना है मैं अपने शिष्य को ये सिखाऊंगा हालांकि महाराज ने शिशु के लिए बोला बट एक्चुअली एंटायर इसकोन के लिए कि हमारा व्यवहार कैसा है हाउ द वे वी वेलकम अदर्स द वे वी ब्रिंग अदर्स टू द फैमिली ऑफ रुक्मिणी कृष्णा ये हमारा व्यवहार कैसा है वेरी इंपॉर्टेंट और साधु का व्यवहार खराब होता है ना लोगों का दिल टूट जाता है कह रहा है वो बाबा जी लेक्चर तो अच्छा देते हैं बड़ी बड़ी बातें बढ़िया बाते बोल देते हैं पर व्यवहार खराब है तो लोगों की श्रद्धा खराब हो जाती है वैसे लोग इंप्रेस लोगों क्या बोले वो तीन घंटे का साढ़े तीन घंटे का लेक्चर दिया वाह काफी स्कॉलरली है चलिए आया तुम उठा करके ऐसा कैसे व्यवहार सो भक्तों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए बट यस वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कृष्णा सर्विस तो हम जब सर्विस करते हैं तो सर्विस में भला हमारा भाव अच्छा होना चाहिए भाव का मतलब है हमें ये नहीं देखना चाहिए क्या लाइमलाइट वाली सेवा है क्या लाइमलाइट वाली सेवा नहीं है हमें सब प्रकार की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए जैसे जन्माष्टमी होती ना तो जूते चप्पल वाले काउंटर में कोई खड़ा नहीं हो जाता जूते चप्पल उठाएंगे हम लोग प्रभु जी आई एम एन बी एम्स अहमदाबाद और आप मुझे बोल रहे हो जूते चप्पल काउंटर में सेवा करो यू नो शुड गिव मी सम सर्विस आई आई एम एम फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड माय फादर इज अ एयर कुछ सोफिस्टिकेटेड सेवा है मतलब मे बी किसी को गिफ्ट देना हो माइक पकड़ के बोलना हो लेडीज एंड जेंटलमैन और से लोग बोलेंगे वाह ऐसा कुछ लाइमलाइट वाली चकाचौंध वाली स्पॉटलाइट वाली कोई सेवा है ऐसी सेवा तो नहीं है ओह oh, ठीक है कोई <laughs> बात नहीं सम अदर टाइम हरे कृष्णा ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए सेवा का नहीं सो शुड नॉट बी आफ्टर लाइमलाइट लाइट वाली सेवा और डूइंग सेवा विच आई लाइक टू डू जिसको करने मेरे को अच्छा लगता है आप वो भी सेवा भी करिए अच्छा वो भी सेवा वो भी सेवा भी करनी चाहिए जो कि आपको अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें ईगो की शुद्धि होती है और आप जब वो सेवा करते हैं आपकी शुद्धि होती है तो हमें इंस्पिरेशन भी चाहिए और शुद्धि भी चाहिए दोनों ही चाहिए हमें yes. साथ ही करना चाहिए हमें क्रेडिट जो है दूसरे भक्तों को देने का प्रयास करना चाहिए जैसे मैं देखा श्री जी प्रभु जी ना बाकी भक्तों को क्रेडिट देते हैं प्रभु ही इज डूइंग फ्रॉम पास सो मेनी इयर्स दिस सेवा ये माता जी है तब सेवा कर रही हैं आज भली आज वो कुछ सेवा नहीं करता हैलायक हो, हो चुका है आज वो दुनिया में गुम हो चुका है प्रभु जी को वो भी याद है आज से पंद्रह साल पहले किसने क्या सेवा की थी दस साल पहले क्या सेवा की थी सो so, प्रभु जी के अंदर वो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है राइट right? तो so, मंदिर चलाने में प्रभु जी को बाईस साल से ऊपर हो चुके हैं आप तो लेकिन फिर भी वो क्रेडिट देते हैं भक्तों को क्रेडिट गोस टू दर डूंगली दे आर डूंगी They are doing it so nicely. तो और भक्तों को हमें प्रयास करना चाहिए इट्स ओके ना, okay. तो okay. ना जैसे हनुमान जी ने जब छलांग मारी लंका की ओर तो पहला ऑप्शिकल क्या आया मैनाक यानी कि गोल्डन माउंटेन उसने बोलाक आपके पिताजी ने मेरी जान बचाई थी इंद्र से पहले क्या तो माउंटेन से ना पंख हुआ करते थे पर माउंटेन कहीं भी भी रह जाते तो उतर गए तो पूरा वो गांव का गांव गया नीचे तो इंद्र ने कहा ये तो बहुत हाहाकार मचा कर रखा तो उन्होंने क्या किया सारे पंख काट दिए लोगों के उस वक्त पवन देव ने क्या था मैनाक को समुद्र में छुपा दिया था और इस तरह से उसके पंख बच गए थे तो वो बाहर आया उसने बोला हनुमान मैं आपके पापा की सेवा तो नहीं कर पाया पर बेटे की सेवा कर आप मेरे में थोड़ा सा रेस्ट कर लो ना हनुमान जी ने कहा ना जब ना। तक राम जी की सेवा नहीं होगी नहीं नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी सेवा लेते ले तो हनुमान जी ने क्या किया को बस ऐसे छू लिया और आगे बढ़ गए जोन में सिंक नहीं होते हनुमान जी कोई भी सेवक होगा जो भगवान की सेवा करेगा विल नॉट सिंक इन टू कम्फर्ट जोन कि हम आरामदायक तरीके से सेवा करेंगे ना 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 देखिए गुवाहाटी में ना आप लोगों को बहुत सेवा करनी है बहुत मेहनत करनी है पूरा आसाम इज एन ऑसम प्लेस फॉर भक्ति यहाँ पर लोग नेचुरली रिलीजियस हैं शंकर देव जी ने ऑलरेडी सबके अंदर भक्ति का बीज डाला हुआ है तो उसको बस करना क्या है थोड़ा सा उसको सींचना है बस दैट्स इट

इतना क्या मेहनत सुबह सुबह उठ करके मंदिर एंड ऑल दैट वो कैलाश पर्वत पे बनाया हुआ उन्होंने रुक्मिणी कृष्णा मंदिर चलेंगे कल सो कल रिलैक्स yeah. so, लोग भी हैं आसाम के लोग लेकिन सांस में थोड़े से आलसी भी हैं स्पिरिचुअली तो क्या देखिए आलस हमारा सब जगह पर है मटेरियल वर्ल्ड में भी वे ले

बस पापी पेट का सवाल उसी के लिए मेहनत चलती रहेगी और कुछ नहीं सो सोड पेसिमिस्टिक अबाउट मटीरियल वर्ल्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड यस लेकिन आलस का एक और साइड ये भी है कि ना भगवान के लिए अपने आप को एक्सटेंड करना वो भी नहीं करते जैसे एक समय डिओटिन स्पिरिचुअल लाइफ इज सो डिफिकल्ट स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल डि अच्छी थोड़ी डिफिकल्ट है सुबह सुबह उठना साधना करना भक्ति करना घर से निकलना मंदिर आना सुनना कुछ गलती करो तो डांट खाना ए, चुपता है ना ये सब और फिर अभी जब आएगा दिसंबर का महीना सबको गीता पकड़ा दे चलो गीता लेके सजाओ सा सड़कों पर बांटो अरे इट हर्ट्स माई सेल्फ रिस्पेक्ट बोले तो ईगो लेकिन तपस्या तो यहां भी करनी पड़ेगी बाबा तो इसीलिए हम ये सोचेंगे ना वील नॉट एक्सटेंड आर सेल्स इन कृष्णा सर्विस क्या जरूरत है जी इतना करने की करना है कृष्ण की सेवा में हमें बहुत कुछ करना है और आसाम आसाम ये तो पके हुए आमों से लदा हुआ बगीचा है आम तोड़ करके रुक्मिणी कृष्ण को ऑफर करने यानी पीपल आर ऑलरेडी वेरी पायस पायस लोगों को यहाँ पर ऑफर करना है रुक्मिणी कृष्ण को वो शांत गोपी नाथ बता रहे थे स्कंद पुराण में बताया गया है कि ना ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसको बताया गया इट इज शाक्त प्रदेश तो मैं अच्छा शाक्त प्रदेश मतलब कि ये जो यहाँ मंदिर है ना क्या क्या कौन सा मंदिर है कामाख्या अच्छा तभी बताया है इसको ये शाक्त प्रदेश है ओ पर शक्ति में ओरिजिनल शक्ति कौन है आदि शक्ति श्रीमती तो ये शाक्त प्रदेश है तो सबसे ज्यादा श्रीमती राधा रानी के भक्त कहां से निकलने चाहिए नॉर्थ ईस्ट से और नॉर्थ ईस्ट में न्यूक्लियर सेंटर में कौन सा स्टेट है इतना अरे कहीं बात कहीं यहां सोच रहे हैं कहते ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया भाई नॉर्थ ईस्ट में सेंटर में कौन सा स्टेट है भाई मेघालय नहीं अरुणाचल प्रदेश नहीं मिजोरम नहीं त्रिपुरा नहीं बंगाल नहीं। पता नहीं कौन सा स्टेट होगा यस जय श्री रुक्मी कृष्ण भगवान की जान तो इस जगह को बताया गया है ये नॉर्थ ईस्ट इज़ नोन है शाक्त प्रदेश दैट मींस द ऑफ श्रीमती राधा रानी विल कम फ्रॉम विच प्लेस नॉर्थ ईस्ट उसमें न्यूक्लियस क्या आसाम पर राधा रानी की सेवा से मिल जाती है बस ऐसे कर दो तो राधे राधे भक्ति हमारी आधे आधे पर करेंगे राधे राधे हाँ इसे हो जाएगा है जैसे भक्ति साहब हमारा डिसाइबल थे डिसाइबल तो नहीं थे वास होता नहीं कुछ लोकल वो कीर्तन कर रहे थे राधे जागो राधे जागो राधे जागो 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 राधे 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 जागो राधे जागो भक्ति सुना महाराज पीछे से आए उसे कंधे पे हाथ रखी बोले पहले तुम जागो इस हमारे आसाम के भक्तों के होंगे तुम जागो जागोरे जागोरे जागो तो हम जागेंगे तब तो इसको शाक्त प्रदेश बनाएंगे भी जाएगा हमको लगता है लेकिन प्रभु जी बाकी जगह तो अब इट ऑल नाउ क्रिश्चियनिटी आपको बताया अरुणाचल प्रदेश 89% नाइन परसेंट बाकी जगह भी सेम ही हाल है सो so इसलिए अब कहा ना ही होगा जीसस क्राइस्ट इसी दिन का वेट कर रहे हैं एक दिन एक आसाम का भक्त आएगा और मेरी एक क्रिश्चियन जो मेरे फॉलोअर्स हैं इनको क्रिशनियन बनाएगा यस yes, तो पहले हमें आसाम को भरना है फिर आसाम को ओवरफ्लो करना है फिर ओवरफ्लो की क्या करेगा फिर आसपास में अरुणाचल प्रदेश मिजोरम त्रिपुरा मणिपुर ओवरफ्लो ओवरफ्लो क्या दिखा कर आसाम का प्याला भर गया तो छलक रहा है यहाँ छलका वहां छलका इतो छलका पर तो छलका ये तो ये या तो यामी छलका ही छलका ऐसा करना पड़ेगा तो इसीलिए देर इज लॉट एंड लॉट ऑफ सर्विस वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू आप सबके लिए रुकुनी कृष्णा ने स्पेशल प्रोजेक्ट रखा हुआ है एक्चुअली वेस्ट में जो प्रभुभा थे ना तो उन्होंने सोचा हुआ था

प्रभु सबको एम्पावर करते हैं कोई प्रभु हो माता जी हो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो अगर कोई अच्छे एटीट्यूड अटी, के साथ सेवा करता है प्रभु जी एम्पावर करते हैं उस भक्त को तो लीडर जब आपको एम्पावर करने वाला है फिर और क्या चाहिए भाई भक्ति करो साधना करो सीखो आगे बढ़ो प्रभु जी से एम्पावरमेंट लेकर के आगे बढ़ो दिस हाउ वी शुड मूव हाउड मूवर लाइव जो इस प्रकार से सर्विस एटीट्यूड को, को कल्टिवेट करना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा तो बोलाइए सर्विस एटीट्यूड अगर हम कल्टिवेट करते हैं तो बोला लाभ क्या होता है वट इज बेनिफिट बोल सकता है ना इसमें हमारा क्या फायदा है जी डब्ल्यू आई आई एफ एम सुना चैनल? रेड रेडियो मिर्ची सुना हुआ है? कुछ कुछ नहीं सुना हुआ है लेकिन एक एफ एम चैनल हम सब सुनते हैं उस चैनल का नाम है डब्ल्यू आई आई एफ एम वो कौन से भैया वट इन इट फॉर मी उसको बोलते हैं W I I F M. What's in it for me? W I F M. तो ये चैनल तो सब सुनते हैं इसके लिए तो आपको रेडियो भी नहीं चाहिए इसके लिए आपको बस मन चाहिए That's it. So what's in it for me? तो क्या लाभ होता है when we have this service attitude? पहला लाभ होता है that you will get knowledge. Spiritual knowledge के लिए आप में प्यास आएगी Spiritual knowledge को समझने के लिए आपको बुद्धि प्राप्त होगी when you do सेवा

आज मेरा वो डिसाइड लेक्चर देगा जो मेरे कपड़े धोता है जो मेरे बर्तन धोता है वो गुरुदेव उसको कपड़े बर्तन के अलावा कुछ नहीं आता है आप चाहे तो हम सेवा कर सकते हैं वैसे का, तुम ठंड रखो चिल मारो उसको लेकर के आओ तो एक गया दौड़ करके वक्त गया भाई टुडे इज अ डे ऑफ योर चौप्सी क्या क्या मतलब क्या गुरुदेव ने बुलाया क्लास देने के लिए

या एरियल <laughs> बर्तन कैसे धोएंगे निप से या से? लिक्विड सोप या सोप सॉलिड <laughs> बताओ जी कथा शुरू करो उसने शुरू किया मंगलाचरण बोला ओम अज्ञान तिरांधस ज्ञान शलाकया चुरित हम ये न तस्मय श्री गुरुवे नमः उसके बाद मंगलाचरण के बाद जब क्लास शुरू की सब अवाक रह गए गया इतना तो हमें भी कभी समझ नहीं आया भाई इतने डीप रियलाइजेशन हाउ कम पर डीप रियलाइजेशन कैसे आए बाय सर्विंग हिज BELOVED स्पिरिचुअल मास्टर श्रीपाद रामानुजचार्य और ऐसे नहीं उसे सेवा करते थे सेवा करते करते कान गुरुदेव के पास होते थे तो सेवा कर रहे लेकिन कान कहां है गुरु के पास ऐसे नहीं चलो अब तो बर्तन ही आजने हैं किताबें तो पढ़नी नहीं है ज्ञान तो एक दिन प्रकाशित हो ही जाएगा ठीक है बस और क्या अपना लगे हो बर्तन के साथ ला 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 और इस तरह से ज्ञान प्राप्ति श्रवण भी करते थे सुनते भी थे गुरुदेव से शास्त्री पढ़ते थे लेकिन वो ज्ञान पचता कैसे है सेवा से हम सेवा करते हैं तो ज्ञान पचता है नहीं तो ज्ञान डेटा बन करके यहां घूमता रहता है और डेटा यहां पर हो अगर तो उससे क्या आती है एरेगन्स I have so much knowledge. Can't you see I am so knowledgeable? You ignorant fools. I am such a genius. जीनियस क्योंकि डेटा यहां अटक गया लेकिन जब डेटा अब यहां आता है and becomes divine knowledge. यहां पर है अगर डेटा यहां पर है रियलाइज नॉलेज सुज्ञान बिकम्स विज्ञान सुज्ञान लेकिन पचेगा कैसे हाउ कम नॉलेज विल गेट डाइजेस्टेड सेवा सुना है विद्या विद्या से क्या आता है विनम्रता आती है पर कौन सी विद्या से विनम्रता आती है जो विद्या आपको पच जाती है ना उससे विनम्रता आती है लेकिन अगर विद्या आपको पचती नहीं है यहीं पे घूम रही है वो तो उससे एरगेंस आती है घमंड आता है ज्ञान का अहंकार आता है दैट आई नो सो मच लेकिन जब सेवा करते हैं तो फिर ज्ञान यहां, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां आ जाता है एंड दैट इज रियलाइज नॉलेज ऐसी विद्या विल मेक यू हम्बल विद्या विनयम। दिस विद्या विल मेक यू विनय, सो so, पहला, दूसरा क्या इगो आपका अहंकार शुद्ध होता है जब आप सेवा करते हैं जितना पसीना निकलेगा ना उस पसीने में अहंकार भी निकल जाएगा अहंकार लोग लेके घूम रहे दुनिया के अंदर बड़ा सारा टनो टन घूम रहे हैं। भारी लोड है अगर किसी के सर बहुत भारी लोड हो अगर और एकदम से उतार दे तो कैसा लगता है ओ, कैसा लगा बहुत अच्छा लगा जी पता नहीं कितना भारी भारी लोड था वो हम सब एक लोड लेके चल रहे हैं वो है ईगो ये ईगो का लोड भला कैसे निकलेगा हीरो क्लीन का आप वैक्यूम क्लीनर लेकर के आइए उसको मुंह में लगाइए और ऑन कर दीजिए अच्छा लगा ईगो निकल गई क्या यूरो क्लीन के वैक्यूम क्लीनर से ईगो निकल जाएगी ऐसी अंदर घुसी हुई ना वो यूरो क्लीन को ही पी को लेकिन वो बाहर नहीं आने वाली तो ये ईगो भला कैसे निकलती है बाहर सेवा करके मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है एक समय दो हजार चार में आई डू सम सेवा और सम समाज सम लीला वाला ड्रामाज इन इस्कॉन टेम्पल हम लोग ऑफिस से आते थे कॉलेज से आते थे ड्रामा प्रिपेयर करते थे वी यूज्ड टू डू ड्रामा सो so एक समय मैंने ड्रामा हमने किया सो हमने बड़ी तारीफ की अरे आमोगिला पप्पू क्या ड्रामा किया आपने ओ अरे वाह चक दे फट्टे आग लगा दी आपने अरे प्रभु जी यू आर ऑसम awesome, प्रभु जी अरे दिस दैट अब एक कंडीशन सोल अपनी तारीफ सुन ले तो क्या होगा उसके साथ गुब्बारा फूल जाएगा उसका हम भी फूल गए अगले दिन सुबह हमने जपा किया हम जपा करें अगर कोई इस भाव से तो जपा तो सुनाई का देगा वो तारीफ की जो बातें वही सुनाई देंगी बस मन गए और क्या तो हार जपा चल रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे रे हरे राम हरे राम 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 हरे लेकिन मन में अरे हमोगीरा बबू हमोगिरा बबू हमोगी बबू यू आर ऑसम यू आर ऑसम यू आर ऑसम आप क्या एक्टिंग करते हो प्रभु जी क्या एक्टिंग करते हो प्रभु जी क्या एक्टिंग करते हो प्रभु हो अरे आग लगा दी प्रभु जी आग लगा दी प्रभु लेकिन मन में अरे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी तो मैंने ऑफिस जाने से पहले तो मैं काम करता था उन दिनों में तो मैंने बारह माला जप किया था मैंने ऑफिस जाने से पहले उसका फिर मैं ऑफिस के बाद निकल गया फिर ऑफिस से ना वापस आ करके फिर मेरा ना डिस्ट्रीब्यूशन भगवदीता सेवा थी जयंती का उत्सव है आई शुड गो टू कनॉट प्लेस कनॉट प्लेस लाइक सुपर पॉश ग्लैमरस एरिया ऑफ डेली मैंने कहा वहां पर हम भगूदीता बांट के आएंगे फिर मैंने अच्छे से अपने कपड़े वगैरह पहने पहनेटैग वगैरह जींस वींस पहन करके अपना बैग टांग करके गीता ले करके मैं पहुंच गया गीता बांटने के लिए मैंने शाम को साढ़े छह से लेकर रात के साढ़े नौ बजे तक भगवदगीता बांटी एक भगवदगीता नहीं बटी और लोगों ने ऐसी बेजतियां की मेरी लोगों ने देखा भी नहीं मतलब मैं पूरा स्टाइल मार रहा भगवदगीता फॉर यू और वो ऐसे निकले एज एफ आई डो नॉट एग्जिस्ट तो मतलब ईगो का ना पंचर हो गया पूरी तरह से उसमें फिर वहां ना पालिका बाजार पर एक जगह है वहां पर बैठ गया मैंने कहा अरे यार

जख्मों पे मरहम लगाने के लिए फिर मैंने दो भगदीता निकाली उसको दी दो मैं मैं मैंने थैंक यू वेरी फिर घर पहुंचा मैं। के तो चितर -चितर हो गए थे अभी इतनी बेजती हुई थी उसका पहला वाला दिन सुपर ग्लैमरस दिन अरे और अभी यहाँ पर पूरा प्रभु जी का ठाए हो गई थी अभी तो मेरे पिताजी ने डिनर दिया

हरे कृष्ण महामंत्र वाज़ बैकग्राउंड म्यूजिक दैट्स इट और कुछ नहीं लेकिन जब सेवा की सेवा की तो ईगो प्यूरिफाई हुई जब ईगो शुद्ध हुई तो नाम भजन अच्छा हुआ सो वन ऑफ द रीजन हमारा नाम भजन अच्छा क्यों नहीं है क्योंकि ईगो अच्छी खासी है आई 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 एम 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 द दिस दैट फला ढिमका इसकी वजह से भजन में गहराई नहीं है लेकिन जितना ज्यादा हमारा अहंकार शुद्ध होगा उतना ज्यादा आपका नाम लेने का मन करेगा Right. तो इसीलिए अहंकार शुद्धि के लिए भी क्या करना चाहिए? चाहिए, चाहिए। सेवा चाहिए. सेवा सेवा करनी करनी करें कभी पड़ेगी ना? इससे प्रभु, तो तो प्रभु, right. इस प्रभु जी कुछ बोलने वाले नहीं है हमारे ऐसा हो तो, तो रुला दे बंदे को कमरे बुला करके तुम तो कमरे में बैठा बेटा उसके ऐसे पेज कसे वो प्रभु प्रभु जी तो साहब सॉफ्ट है हमारे हो तो यहाँ पर सारे भक्त भाग जाए कहता है ये so, थोड़े ना करते हैं कहा ध्यान आपका यू कैन हर्ट समी जी को इतनी सेवा करके उसके बाद ये सेवा हुई है दो चार तारीफ के शब्द बोलो जी क्या है जी ए जी ओ जी लो जी सुनो जी क्या है जी ईगो प्यूरिफिकेशन कहा होगा जब सेवा करेंगे तो ईगो प्योरिफिकेशन भी होगा साथ ही जितनी हम सेवा करते हैं ना रुक्नी कृष्ण की उतना प्यार बढ़ता है हमारा जब सेवा करो तो प्यार बढ़ता है जैसे ना आप देखो जो टिपिकल अरेंज मैरिजे होती हैं पति पत्नी का कोई प्यार व्यार नहीं होता ठीक है लड़की है उसका नाम चमेली है पति का नाम बबलू है चमेली का बबलू से कोई प्यार व्यार कुछ भी नहीं है लेकिन जब शादी होती है तो फिर पत्नी क्या करती है पति की सेवा करना शुरू करती है पति भी कमाता है किसके लिए पत्नी के लिए कमाता है

अल्टीमेटली बंदा हाँ से भाग जाओ भाई वो जिसे उधार लिया हुआ है ना बार बार वो मिल जाता है कहा शक्ल दिखाएंगे तो गोपियों के साथ और कृष्ण के साथ भी यही हुआ गोपियों का प्रेम इतना दिव्य है इतना ऊंचा है कृष्ण कहते हैं ना पा रहे हैं आई डेट इतना उधार हो गया कृष्ण ऊपर कृष्ण का मैं मथुरा जा रहा हूँ भाई मैं बार बार गोपियों को आई कान फेस दू सो गोपियों ने क्या किया कृष्ण को बांध दिया अपने सर्विस एटीट्यूड से माते यशोदा ने कृष्ण को कैसे बांधा उनके पीछे दौड़ रही हैं दौड़ रही हैं दौड़ रही हैं दौड़ रही हैं पर कृष्ण बंद नहीं रहे कृष्ण पकड़े नहीं जा रहे और भगवान के सत्य संघल शक्ति बोल रहे हैं कृष्ण पकड़े नहीं जाएंगे बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ पाते उनको कैसे पकड़ लेंगे तो फिर भगवान की कृपा शक्ति बोली ए सत्य संघल शक्ति तू तो बोल रही कृष्ण पकड़े नहीं जाएंगे कृष्ण पकड़े जाना चाहिए मई की मेहनत देख पूरी साड़ी भीग गई है उनके पसीने से दौड़ रही हूं पीटी उषा नहीं है वो She's still running. और ये कृष्णा ये भाग जाए भागे जाए भागे जाए ये तो एथलीट है ये तो इतना फास्ट है अपनी, अपनी सब मिलकर क्यों नहीं पकड़ सकते इनको और ये हैज डन फॉर कृष्णा क्यों नहीं बनेंगे बंधना पड़ेगा और ये मीटिंग भगवान की सारी शक्तियों में और कृपा शक्ति में हुई सो कृपा शक्ति वर्सेस ऑल अदर शक्तिस फाइनली छह घंटे के डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ यदि कृपा शक्ति ने बोला वही होगा कृष्ण को बंधना पड़ेगा बिकॉज यशोदा मैया हैज डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर कृष्णा तो हम भी भला कृष्ण कैसे बांधेंगे हम जब कृष्ण के लिए मेहनत करते हैं उनकी सेवा करते हैं प्रचार करते हैं खुद को झोंकते हैं उनकी सेवा में

लेकिन एक महारानी होती है उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो जितनी पोटेंसीज़ हैं उनमें तो रानियों ने डिसाइड किया हुआ जी आज तो बनेंगे पुलाव लेकिन महारानी ने बोला नहीं आज बनेंगे नूडल्स तो क्या बनेंगे फिर नूडल्स क्योंकि महारानी ने बोला तो भले कोई और शक्ति बोले नहीं कृष्ण नहीं आएंगे किसी के हृदय के अंदर प्लीज गंदे के, काम क्रोध भरा हुआ है वहां पर नहीं आ रही कृष्ण साफ जगह आते हैं कृपा शक्ति बोली प्लीज एक्सक्यूज मी कृष्ण को आना होगा भक्त मेहनत कर रहा है ना कृष्ण कही आएंगे जो आएंगे तो वो साफ अपने आप हो जाएगा प्लीज सो so, माते यशोदा से वी शुड लर्न दिस जी बोलते तात्पर्य के अंदर कृष्णा वाज बाउंड बाय

बाकी सब कुछ सीखा उन्होंने अपने फादर से एक बुक पब्लिकेशन का उनका एक्सपीरियंस नहीं था पर कृष्णा well. wow. so, करने के लिए अगर आप उतरेंगे तो जो कमी है अगर आपके अंदर वो कमी भी दूर कर देंगे भगवान जस्ट बिकॉज यू आर नाउ ट्राइंग टू डू सेवा जैसे मैं अब ये यूट्यूब बनते हैं ठीक है पोस्ट होते हैं अब ये जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है तो क्या मैंने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है मैंने YouTube जी हाँ। वैसे पर हमने जब सेवा शुरू की तो भगवान ने फिर ये देना भी शुरू कर दिया अगर हम कभी कुकिंग शुरू करें ऐसे में कुकिंग नहीं जानता जिसमें कुकिंग करता भूखा ही नहीं हो तो क्या बनाए ये कौन सा आइटम पर अगर मुझको कोई ऐसी सेवा करनी पड़े जो मुझे नहीं आती पर अगर मुझे गुरुजन ने बोला टेम्पल अथॉरिटी ने बोला करो करेंगे तो उसकी एबिलिटीज भी दे देते हैं सो अगर गुरु कोई आज्ञा देंगे कि आज्ञा पालन करो तो उस आज्ञा के साथ वो कृपा भी होती है कि उस सेवा को हम एग्जीक्यूट कर सकें तो ये नहीं सोचना चाहिए पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हमें एबिलिटीज है नहीं बोला टैलेंट तो मेरे में है नहीं मेरा नेचर तो वैसा है नहीं फिर इवन देन यू कैन डू बिकॉज कृष्णा गिव्स द एबिलिटीज पौरुषम निशु आई एम द एबिलिटी इन मैन मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं तो सामर्थ्य कहां से आता है कृष्ण से सो वी शुड जस्ट गेट टू डू द सेवा एवरीथिंग विल कम सेवा करनी चाहिए बस जो करता है सेवा उसे मिलता है कृपा का मेवा जो नहीं करता सेवा सिर्फ चाहता मेवा भगवान कहते बेटे लाल ना मिलेगी सेवा ना मिलेगा मेवा और जो करना चाहता है सेवा भगवान उसे देते हैं कृपा का मेवा Alright, I'll stop here now. Let's take few questions. Hare Krishna. Shri Prabhu Bhadi Gee, Jai. Kosaval Kisika? Ah, yes, Bhadi Prabhu. Andi Bhadi. Ah. Yeah. Yeah, that's true. हम्म। hmm. या yeah. कभी-कभी ऐसा लगता है मैंने इतनी सेवा की लेकिन हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसा अगर अगर भाव आए तो मैं क्या सोचना चाहिए उस वक्त? एचटी सेवा इन इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड। सेवा इन इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड। कभी-कभी क्या होता है भक्त ना धैर्य कमजोर होता है कहता है इतना समय करते हो रहे हैं। अभी कुछ हुआ ही नहीं। मेरे मेरे हृदय में आज भी लास्ट एंगर ग्रीड एनवियसनेस इल्यूजन ईगो आज भी है इतने साल हो गए मेरे को सेवा करते हुए लेकिन ना कमियां आज भी हैं। तो पता नहीं सेवा करते हैं कुछ होता है नहीं होता है पता नहीं एनी वेज तो भक्त का जो सेवा का उत्साह थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज है मेरे में कुछ खास चेंज हुआ नहीं शुरू शुरू में तो हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा शुरू शुरू में सबको लगता है यस वेरी गुड डेज उसके बाद पता नहीं उसके बाद आखिर रेगिस्तान हो गई कुछ नहीं होता आप में से किस किसने कभी देखा कोई सैंपल वाला आता है ना ये है सर्फ एक्सेल अल्ट्रा मैटिक, ये पाउच फ्री ऑफ कॉस्ट अरे ये ऐसे फ्री में रेहान जी कपड़े भी साफ होते हैं कपड़ों से खुशबू भी आती है ओ कपड़े धोए आपने वाह

प्रभु भक्ति तो बहुत अच्छी है ना सारी एंजाइटी, टेंशन ये वो ढिमका दुख दर्द सब दूर हो गए भक्ति इज टू गुड वहां कहते हैं प्रेम भक्ति का पांच किलो का पैकेट भी है चाहिए हाँ ये फ्री है ना, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी यस तो ये एक भक्त के साथ भी होता है

वैसी क्वालिटी तपस्या हमारी नहीं एक तो क्वालिटी नहीं है साथ ही ड्यूरेशन इतनी लंबी ड्यूरेशन सेवा हम नहीं कर पाते हमारे क्या तीन साल चार साल पांच साल दस साल पंद्रह साल बस हो तो क्या पंद्रह साल बस इट इस सेवा में लगे रहना पड़ता है मैं कृष्णा सीज द डेडिकेशन ऑफ अ डिबोटी कृष्णा इज परचेज

हजार हटा दिया उसमें से साठ हजार साल नहीं कितना 60 साल कम से कम सोच की सेवा वगैरह कृष्णा इसके पहले मा, मैंने अरबों खरबों करोड़ों जन्म दिए हैं माया की सेवा में ये एक जन्म आपकी सेवा में कुछ नहीं हुआ तो अगली जन्म में फिर से मैं माया की सेवा लग जाऊंगा माया आई लव यू लेकिन ये जन्म कृष्णा आपके लिए ये जन्म मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा हंड्रेड पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से

तो प्रभु जी बोला करते माया ने की इतनी तुमने सेवा करी कुछ मिला क्या इतने जन्मों से कर रहे हो कुछ है नहीं सब कंगाल चौकड़ी सो so, कृष्ण की सेवा में बस एक जन्म दे दो वन लाइफ टू टू कृष्णा कृष्णा विल टेक यू बैक बैक होम गॉड हिट तो ये ना सोचे इतने साल हुआ क्या हुआ कुछ मिला नहीं मिला मैं एच बना नहीं बना मैं किसी मंदिर का अध्यक्ष बना नहीं बना मेरा भाव को प्रमोशन हुई नहीं हुई भक्ति तो कर रहा हूँ प्रभु जी मांगलिक लड़की नहीं मिल रही मेरे को शादी नहीं हो रही मेरी क्या करूं हमारे बच्चे नहीं हो रहे हम तो भक्त हैं भगवान को जी हमारे तो बारात लगा दे पूरी क्यों नहीं हो रहा my Krishna is not fulfilling my desires. So, समझदार कौन भगवान या हम आ, कभी लगता है ना भगवान से मांगते हैं इच्छा पूरी होती नहीं यार पता नहीं इनमें भगवान है कि नहीं है ये संगी मरमर कैसे पत्थर का खड़ा दिया दो बूथ यहाँ पर एक का नाम रुक्णी रख दिया एक का नाम कृष्णा रख दिया व्हाइट मार्बल ब्लैक मार्बल भाई ये इच्छा पूरी होती है नहीं है मांगा इससे पता नहीं भगवान यहाँ पर है नहीं है, नहीं है मान लेते हैं ये लोग बतलोग बोलते हैं तो मान लेते हैं चलो क्योंकि हमारी जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें तो भगवान में हमें डाउट आ जाता है पता नहीं भगवान है नहीं है ऐसी ना हमें भगवान की शक्ति पे तो विश्वास है लेकिन भगवान की इंटेलिजेंस पे विश्वास नहीं है प्रभु बुद्धि हमारी हो शक्ति आपकी हो, वेंचर yes. बोलते बेटे लाल बुद्धि भी मेरी और शक्ति भी मेरी, क्योंकि मेरे प्लान तेरे प्लान से ज्यादा अच्छे हैं तेरे प्लान शॉर्ट साइटेड प्लान है मेरे प्लान लंबे वाले प्लान है इसने हमारा प्लान कोई एग्जीक्यूट नहीं होता हमें पता नहीं यार भगवान कुछ कर ही नहीं रहे भाई। तो हो सकता है बाहर प्लान आपके ना चल रहे हो लेकिन अंदर प्लान चल रहा होता है यस yes. जैसे एक समय ना भगवान ने एक व्यक्ति को सेवा दी एक बड़ा सा पत्थर था उसको हिलाना था उसको धक्का मारने के लिए भगवान ने बोला भगवान ने बोला इसको धक्का मार धक्का तो मारता एक महीना हो गया उसको धक्का मारते हुए माया शक्ति आई माया ने बोला भाई हिला एक इंच नहीं हिलाए भगवान आलतू फालतू काम देते हैं रिजाइन मार सेवा से आ नहीं तो कुछ मिला तेरे को एक इंच नहीं हिलाए भाई रिजाइन मार भगवान को बोल भगवान ने फालतू काम ना करता मैं पत्थर ना हिला उसने बोला माया देवी तुमने सही बोला वैसे कुछ हिला तो है नहीं वैसे छोड़ो भगवान का आह्वान किया तो भगवान भगवान आए कहते भगवान मैं नहीं कर रहा भगवान ने कहा क्यों क्या हुआ कहते भगवान ने हिला ही नहीं भगवान ने बोला लेकिन मैंने हिलाने को नहीं बोला था मैंने क्या बोला था धक्का मार धक्का लगाने के लिए बोला था मैंने हिलाने के लिए बोला ही नहीं था क्या प्रभु जो भी आप शब्दों मेरे को हिला नहीं ना हिला नहीं ना। तो, फिर, तो इसने मैं कर रहा हूं, मैं सेवा नहीं करना अच्छा तो हिला नहीं हिला नहीं अपनी शर्ट उतार उसने शर्ट उतारी उसके शर्फ, ट्राई शर्फ, सिक्स ये भगवान ने कहा क्यों हिला कि नहीं हिला प्रभु काफी कुछ हिल गया ये तो तो कभी कभी भगवान की सेवा करते करते ना बाहर कुछ नहीं हिल रहा होता मतलब बाहर आपको ना एकमेंट मिल रही है ना सफलता मिल रही है ना कोई तारीफें आ रही हैं ना कोई ट्रॉफी मिल रही है कोई पोजीशन भी नहीं आ रही कुछ नहीं हो रहा वही फटे पुराने धोती कुर्ते में घूम रहे हैं घिस रहे हैं आप वो कहता क्या हो रहा है प्रभु क्या मिला क्या मिला कहता शर्ट उतार के अपनी आत्मा में झांक के देख बहुत कुछ मिला कुछ हिला कि नहीं हिला बहुत कुछ हिला और हमको भी नहीं पता होता क्या क्या हिला लेकिन हिल चुका होता है अंदर हमारा बहुत कुछ हिल चुका होता है तो बाहर से नजर आता क्या हुआ इतने साल धक्का लगाया क्या हुआ कुछ हिला तो नहीं ना भगवान ने बोला बेटा बस ऐसे बत्ती घुमानी है तुमको बस अंदर क्या क्या हिलाना है वो मैं देख लूंगा क्या क्या हिलाना है कौन से कौन से अनर्थों की बत्ती लगानी है वो देख लूंगा तो बस यहाँ बत्ती घुमा मेरे आगे और कुछ नहीं तो इसीलिए भक्त ने सोचना चाहिए इतना समय हो गया कुछ हुआ नहीं क्या होना है कब होना है कैसे होना है वो ये देखेंगे वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है हमारा डिपार्टमेंट भगवान की सेवा करते करते शरीर को छोड़ना है बस ठीक है जी और कोई सवाल किसी का यस हाँ पूछिए बोलो बेटा, कृपाशक्ति अलादिनी शक्ति ही है अलादिनी शक्ति की ही एक्सपेंशन है कृपा कृपाशक्ति स्कूल जाते तो कैसे कर सकते हैं ओके okay. सबसे पहली बात तो अच्छे मार्क्स लेकर के आओ पढ़ाई अच्छे से करो आपका नाम क्या है ओजिता ऊर्जिता ओजा शक्ति अच्छा ओजिता ठीक है आई एम सॉरी क्या नाम है आपका डबल ओ आर जे जी, ऊर्जिता और जीता ठीक है और जीता आपने ठीक है ओके वेरी गुड सो स्कूल को पूछेगा और तेरे नंबर कैसे अच्छा आए थे करती क्या तू तो ऐसा क्या करती तू ब्लैक मैजिक कर रही तू? बोला वेल आई जस्ट हरे कृष्णा स्कोर गुड मार्क्स ऑल्सो प्रीचिंग अगर आप खराब मार्क्स लेकर क्यों और जीता ने, जीता क्यों नहीं अब वो हार क्यों होना चाहिए और हारा ना कि और जीता क्योंकि अब वो पढ़ती लिखती तो है नहीं तो बीइंग स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए आपकी सेवा है दैट यू शुड स्टडी वेरी वेल ठीक है जी बाकी इन द मॉर्निंग हरे कृष्णा फिर स्कूल जाओ स्कूल से वापस आओ पढ़ाई लिखाई करो थोड़ा खेलो कूदो भी और कम से कम हफ्ते में एक दिन आना चाहिए रुक्नी कृष्ण के दर्शन करना क्लास से बैठना सीखना गुरु पूजा अटेंड करना इतना कर लो बस फिलहाल इतना बहुत है बाकी जो ऑल लोग हैं दे कैन डू अदर एज वेल जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके लिए फिलहाल इतना यही सेवा है

राधा रानी प्रीचिंग गैंग एंड ठीक है यही करना है okay, और, yes. Uh, yes, सेवा है तो स्पिरिचुअलियल हम कैसे बैलेंस करें ये शब्द बैलेंस कहाँ से आता है अगर आप बोलो बैलेंस तो क्या आता है मन में एक नट आता है ना जो कि रस्सी भी चल रहा है बैलेंस कर रहा है कभी ऐसे कभी ऐसे राइट ऐसी बात है ना अगर ऐसे लेके चले तो ऐसे गिर जाएगा डंडा ऐसे चले ऐसे, तो करते -करते right? ऐसे करना पड़ता है कभी स्टडीज को प्रियोरिटी कभी भक्ति को प्रियोरिटी एग्जाम्स आए तो स्टडीज को प्रियोरिटी उस वक्त मान लो मंदिर आप कम आ पाते हो क्योंकि तो आपके एग्जाम चल रहे हैं इट्स ओके ऐसे रुक्नी कृष्ण जाएंगे आनी तू मंदिर हैं तेरे को एग्जाम इतने प्यारे हो गए रुक्मिणी छड़ी पकड़ाओ जरा मेरे को और रुक्मिणी कहेंगे अभी देती हूँ तेल लगा करके फिर कृष्ण जो है फिर पिटाई कर देंगे ढूंढ लेंगे आपको क्यों मन्ने नाई तुम हैं क्या है? तो कृष्ण ऐसे होंगे नहीं सो थिंक सम यू हैव टू गिव जैसे कोई किसी वाइफ बीमार है किसी का हस्बैंड

कभी सेवा कभी पढ़ाई कभी घर कभी मम्मी पापा कभी भक्ति कभी साधु संग ऐसे करते 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 वी क्रॉस द लाइफ ठीक है जी ऐसे रहता है ओके okay, हाँ यस वो बताइए जी यस yes. ओके चैतन्य चैतन्य का वाला इंपॉर्टेंस क्या है ओके ओके या वेरी गुड नाइस अब चैतन्य चैतन्य इज नॉट वेरी पॉपुलर ग्रंथ था भावत कथाएं होती हैं भगवदगीता इज आल्सो वेरी पॉपुलर राइट लेकिन चैतन्य चैतन्य में तो बोलेगा ना कोई एमिनेंट पर्सनालिटी का कोई कोर्ट भी नहीं है भगवदगीता कोर्ट तो है इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी वेरी गुड भगवतीता को लेकर को ले को ले को ले को ले के वैसे कथाएं वगैरह चल रही हैं पीपल नो लेकिन चैतन्य के बारे और दूसरी तरह से अगर देखें तो भगवतीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है

और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रंथों को बचाओ तो चैतन्य चैतामृत रखो भागवतम रखो भगवदीता रखो और इनको बचाओ लेकिन फिर भी बाढ़ का पानी में भी आग रहा है नहीं हम डूब जाएंगे हम डूब जाएंगे भगवदीता को लेना डुबो देना और चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना नहीं फिर भी लगे नहीं अभी भी हम डूब रहे हैं बिकॉज लोड काफी है तो श्रीमद भागवतम को लेना और पानी में डुबो देना और चलते रहना चैतन्य चैतामृत को लेकर के लेकिन फिर भी लगे नहीं इस लोड में तो अब डूब रहे हैं तो चैतन्य चेताबी को पानी में मत डाल के डालना उसके साथ डूब के मर जाना पर उसके बिना नहीं जीना इसमें जी, थे, जी ना कार में थे तो देखा डिवोटीज जो दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग रोशोगुला तो प्रभा ने बोला ये क्या कर रहे हैं सब प्रभा ने बोला श्री प्रभुपाद हम सब बंगाली स्वीट बांट रहे हैं लोगों के बीच में

भक्तों में कैसे व्यवहार करना चाहिए इसका डिटेल्ड मैनुअल है श्री चैतन्य चरितमृत तो सदाचार भी सीखते हैं हम सिद्धांत भी है उसके अंदर लीला भी है उसके अंदर सो वन स्टॉप शॉप कंपेंडियम फॉर अ डिवोटी इज श्री चैतन्य चरितमृत मतलब इट इज सो स्वीट कि इवन विदेश के भक्त जो है बंगाली सीखते हैं इसके लिए ताकि हम चैतन्य चरितमृत को रैलिश कर सकें इट्स इन बंगाली ना दैट्स वाई

लेकिन विश्वास मानिए लेकिन आप सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करेंगे ना इट गिव्स यू वेरी गुड कई लोगों को पता ही नहीं है इज इस गुवाहाटी इन वो जिंदगी जी रहे हैं अच्छा गुवाहाटी में है हम तो फला फला बाबे के पास जाते थे और बाबे को हम तो काफी सारा बाबा खिला भी चुके उसको हमको पता ही नहीं सो सोशल मीडिया पे हर मंदिर को सुपर डुपर एक्टिव होना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं प्रभु जी हम तो विनम्र भक्त हैं क्या सोशल मीडिया हम तो बस एक कमरे में रहकर भजन कर लें और हमें क्या चाहिए? हम एक हंबल डिवोटी है ना प्रभु जी त्रिनाद अपी सुनीचे ना सरो अपी सहेष्णो ना ओ मानी कीर्तनिया ना, कभी कभी हरी ऐसा नहीं होता

इसमें मैमे कितना ज्यादा है सो so, मैम जगह क्या आना चाहिए कृष्णा कृष्णा सो वन डेफिनेशन ऑफ इज टू बिकम फॉर हमने पेज खोला प्रशांत ना शाहनाथ को बताओ कितने और क्या किस, -किस तरह के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं पहले ये, ये चैनल एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता करता है थैंक गॉड थैंक यू आपका चैनल लाइक करता है हैप्पी आप देखते हैं कितना बड़ा है आपके भक्तों ने देखते हैं क्या रिपोर्ट है जी 2000 सब्सक्राइबर्स हैं गुड कब कब बनाया गया था ये चैनल 2022 सात जनवरी 2022 ठीक है 2000 आपने इकट्ठे किए अभी तक ओके okay. ये तो 2000 तो वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं को बड़ा काम अभी नहीं किया है अभी नाउ यू शुड पोस्ट सम नाइस कंटेंट रेलिवेंट कंटेंट कनेक्टिंग कंटेंट फ्रॉम द शास्त्र ऑन स्कॉन गुवाहाटी चैनल अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री जी प्रभु ऐसा नहीं प्रभु जी हमारा भी वीडियो डालो ना हमारा भी वीडियो डालो ना प्रभु जी बहुत अच्छा बोलता हूँ मैं मैं तो डिबेट कॉम्पिटिशन में हमेशा फर्स्ट आता था ये देखिए मेरी ट्रॉफी मेरे को बोलने दो ना मेरा वीडियो बनाओ ना उनका डाल दिया था मेरा वे डालो ना। ये बच्चों वाले काम नहीं क्या हाँ, ऐसा कुछ वीडियो बना सकते हैं अगर आपकी आगे हो तो यानी यू मेक फिर वीडियो बना करके उसको सर्टिफाई कराएंगे, अप्रूव कराएंगे प्रभु जी कि ये भेजने लायक है कि नहीं पता लगा आपने कुछ ही बोल दिया आ, 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 तोमी निराकार चौरन देखी ऐसा कुछ डाल देखा कृष्ण निराकार चरण निराकार का चरण कैसे देखा तुमने तो ऐसा कुछ नहीं पोस्ट कर देना उसके अंदर तो इसे जो बनाएंगे अप्रूव करेंगे प्रभु जी उसके बाद पोस्टेड ऐसा अच्छा गुड कॉन्टेंट कोई देने वाला हो देन दैट कैन पोस्टेड तो इस तरह से ही वी शुड स्प्रेड इट उसका इवन कुछ पोस्ट भी करना पड़ेगा वी शुड तो जितनी पॉपुलरिटी बढ़ेगी गुवाहाटी की थ्रू दैट चैनल यू कैन स्प्रेड चैतन्य गुहाटी तो पहले हमको वो चैनल क्रिएट करना पड़ेगा

2000 से 2 मिलियन तो लंबा सफर है तो सो so, हमें कुछ और तरीके भी अपनाने पड़ेंगे ताकि हम चैतन्य चरदामित का प्रचार प्रसार करें फॉर एग्जाम्पल अखबारों में यू कैन पुट वन पैम्फलेट श्री चैतन्य चरतामृत द मास्टर पीस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला पुट द पैम्फलेट्स इन मैगजीन्स इन न्यूज पेपर्स उसकी एड हम दे सकते हैं वाई नॉट केबल वाला है उसको पैसा दे भाई पकड़ पचास हजार रुपए हर रोज दिखा चैतन्य चरतामृत परचेज करें फ्रॉम सचिन ये लिंक है इस पर क्लिक करें ये करना पड़ेगा तो इस तरह से मोर यू शो मोर यू सेल जो चीज दिखेगी नहीं दिखे वो बिकेगी ऐसे राइट right? तो चैतन्य चरतामृत को हमें दिखाना पड़ेगा वी शुड शो इट उसको दिखाना पड़ेगा पेंटिंग कॉम्पिटिशन पेंटिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम चैतन्य लीला

सो so, इस तरह से वी शुड प्लान क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए वट टू डू तो इसलिए वी शुड फाइंड आउट मीन्स हाउ टू स्प्रेड इट ठीक है जी कर सकते हैं हाँ यस माति जी बोलिए जी आ, आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताया भगवान ने हाँ जी आत्मा अजर है अमर है कटती नहीं है छिलती नहीं है बम से नहीं उड़ाई जा सकती वेरी गुड हाँ और अच्छा हम सोल कॉन्शियस नहीं हो पाते है ना हम तो यही मानते हैं हम तो यही तो हैं मैं यही तो हूं या हमारे अंदर सोल है ये सेंटेंस ठीक है या हम शरीर के अंदर है ये सही है हमारे अंदर सोल है यानी कि आप शरीर हो देखो ये सेंटेंस फिलोसफिकली गलत है कि हमारे अंदर सोल है अच्छा आप कौन ये बॉडी और अंदर हाँ वो सोल भी है नहीं हम सोल हैं हम इस शरीर के अंदर रहते हैं ठीक है सो हाउ टू बिकम कॉन्शियस ऑफ सोल सोल के बारे में हम कैसे फील कर आई एम अ सोल ये सवाल है आपका राइट ओके जैसे कि ना सूरज की रोशनी में आप खुद को देख पाते हो सूरज की रोशनी में आप खुद को देख पाओगे थक गए ना आप लोग है ना तभी ऐसा रिस्पॉन्स है ना ऐसे ना ऐसे क्या सूरज की रोशनी में आप खुद को देख पाओगे कौन को बोलता है नहीं हाथ खड़ा करें अपने चरणों की फोटो मेरे को भेजे मैं उसकी आरती उतारूंगा सूरज की रोशनी में आप खुद को नहीं देख पाओगे अगर आप बाहर सूरज की रोशनी में चले जाओ हम खुद को देख लेंगे ये आईक्यू का मर्डर आपने क्यों किया ऐसे इस तरह से सूरज की रोशनी में हम खुद को देख सकते हैं सूरज की रोशनी में हम बाकी सबको भी देख सकते हैं और सूरज की रोशनी में हम सूरज को भी देख सकते हैं राइट लेकिन अगर सूरज चला जाए सूरज गायब हो जाए ब्लैक आउट तो आप सूरज देख सकते हैं नहीं। नहीं। और pitch dark. इतने में क्या आप खुद को देख सकते हैं? यानी सूरज ना हो तो आप खुद को भी नहीं देख सकते हैं। और सूरज हो तो आप खुद को भी देख सकते हैं आसपास के लोगों को भी देख सकते हैं और सूरज को भी देख सकते हैं तो सूरज क्या है कृष्णा। गॉड रियलाइजेशन खुद को देखना क्या है सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन किसकी रोशनी में होगा गॉड रियलाइजेशन गॉड रियलाइजेशन की रोशनी में सेल्फ रियलाइजेशन होता है अगर गॉड ही नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला नहीं है। आप आई शुड वही नजर आएगा वो सोल पीवीसी का सोल लेदर का सोल लेकिन स्पिरिट सोल मींस मोर यू बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा ऑटोमेटिकली

क्योंकि गॉड रियलाइजेशन नहीं तो सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं ठीक है जी ओके okay, कितना हो गया टाइम टाइम इज वैसे तो हाँ जी यस yes, माता जी पूछिए माता जी थैंक यू यस आई आई कम हेयर एवरी ईयर कोविड आ गया इसलिए मैंने आया बीच में बट आई लव कमिंग टू आसाम रुकनी कृष्णा टेम्पल ओके पेट को थोड़ा ऐसे कर दो उसके पाँव भगवान की ओर हो रहे हैं ऐसे कर दो उसको ओके तो सवाल हमने सुना सवाल ये कि हम सेवा करते हैं लेकिन कभी कभी आपस में प्रेम कला भी हो जाते हैं है ना प्रेम कला और प्रेम कला होते हैं फिर हम क्या करें प्रेम कला हो जाते हैं या थोड़े कला कलेश हो जाते हैं हम क्लैरिफिकेशन भी देते हैं लेकिन सामने वाला माफ नहीं करता

Nice. पर पहले कैसे थे ये सब, के सब नोकीले पत्थर थे राइट नहीं सब ने अंदर क्या किया? चक, चक 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 इसने उसको काटा आ, उ, आ, आ, आ। एक, ये सब आ, उ, आ, तो एक जब निकले, तो सब सब चिकने, चिकने निकले. वाह उस तरह से रुक्मिणी कृष्ण ने क्या किया आप सबको इकट्ठा किया यहाँ पर और यहाँ आपको सेवा में हिला दिया चिक, 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 चिक। हम भिड़े उसने उसको बोला अरे ऐसे कैसे कर दी ऐसे कर दिया उए, आ, ए। लेकिन जीवन के आखिर में सब के सब चिकने होकर के निकलेंगे आ कृष्ण प्रेम प्रभु जी पत्थरों के साथ आसान होता है इंसान के साथ बहुत मुश्किल होता है जब आप बता रहे हो ना एग्जाम्पल पत्थर का ये पत्थरों पर सूट करता होगा हमारे पे सूट नहीं करता ये तो कैसे करना देखिए जहां पर भी सेवा आएगी वहां पर डिसएग्रीमेंट भी आएगा एक बारे डिवोटी बोला शेर प्रोपाजी शे विजी ने बोला वेरी गुड यू होता ना क्योंकि हम सब अंदर से एक ही हैं तो एक बोलेगा फेस्टिवल पे गाजर गालो बनेगाज एवरी वन इज वन पर हम लोग एक नहीं है वी आर अलग अलग डिफरेंट सो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन होना बनता है क्यों जी, ये नहीं बनेगा। छोले नहीं बनेंगे राजमा बनेंगे छोले लास्ट टाइम बने थे like ओपिनियन कैन है मतभेद क्या बोलते हैं इसको मतभेद सेवा करते वक्त मतभेद होना इज ओके okay. मनभेद होना इज नॉट ओके

गया, मैं सफेद वगैरह में मैं इतना नहीं करता और नहीं प्रभु जी थोड़ा ठहर के देना चाहिए डिफरेंस ओपिनियन है ठीक नहीं है यार अभी ये कर लेते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं तीन साल बाद ऐसा करते हैं मांड वाली करते हैं दो साल में दे 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 चलो प्रभु जी बीच का रास्ता सो so, बीच का रास्ता अपना करके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा कभी नहीं देखा जाता मतलब मॉडर्न लोग ही कल हम कलर टीवी है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर ब्लैक कलर भी नहीं होता व्हाइट कलर भी बहुत कम होता है सारा का सारा हिसाब किताब ग्रे कलर में होता है एक्चुअली लाइट 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 ग्रे 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 डार्क 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 सारी पिक्चर में होती है क्या है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाइफ में सोल्यूशन में लाइफ में आप चाहे घर में हो या मंदिर में हो सेवा करोगे ना सोल्यूशन आर नीदर इन ब्लैक नॉर इन व्हाइट सोल्यूशन आर ऑलवेज इन ग्रे And and white white grey grey. party should agree to the grey. Black or कहाँ agree करना चाहिए आप किस किसने कभी क्षमा किया है किसी को और क्षमा करने वाला आपको यहाँ ठंड पड़ गई एकदम प्रभु जी उसका कल्याण हुआ चाह नहीं हुआ मैंने माफ करके ना यहाँ पर आइस फैक्ट्री खोल ली क्योंकि जिंदगी में तीन फैक्ट्री जरूर होनी चाहिए आइस फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री लव फैक्ट्री या शुगर फैक्ट्री ठीक है तो इसीलिए यहां से मिठास होनी चाहिए यहां पर लव फैक्ट्री होनी चाहिए और यहां पर आइस फैक्ट्री होनी चाहिए ठंडा रखो यार पर मामला गर्मा गर्मा अगर हो रखा है फिर क्षमा करना इज अ गिफ्ट विच वी गिव टू आर सेल्स तो किसी को यहां पर आपने रखा हुआ है और वहां पर कुड़कुड़ -कुड़ कर रहा है आपके साथ आपका जपा भी खराब हो रहा है

प्रेजेंट बना दिया उसने हवाई मंदिर को होटल वालों को बेच दिया होटल खोल लिया उसमें वहां डेस्क लगाया हुआ बैठता है वहां पर एज मैनेजर प्रभुपा जी आया तुमने मेरे मंदिर को बेच करके होटल बना दिया उसको प्रभुपा ने बोला दुनिया का मालिक कौन कहते कृष्णा तो शहर का मालिक कौन कहते कृष्णा तो होटल का मालिक कौन कहता मैं

सोचिए एक बंदे ने मंदिर को होटल बना दिया क्षमा करने की हद है इसमें तो बंदे को मतलब हार्ट अटैक आ जाए मेरा मंदिर। प्रभुपाद कूल, नाइस। सो हमें अपने प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए क्षमा करना सीखना चाहिए आज हम भी क्यों जी रहे हैं बिकॉज किसी ने हमें क्षमा किया है कभी क्या हमने बागल बल्ले पंती वाली हरकतें नहीं की कभी जिंदगी में हम सब ने किए हमारे माता पिता ने हमें माफ किया हमारे टीचर्स ने हमें माफ किया हमारे ने हमें माफ किया है और भक्तों ने भी कहने के माफ किया है मैं तो जानता हूँ प्रभु जी और प्रभु तो जब हम क्षमा हो जाते हैं तो हम क्षमा करेंगे नहीं क्या तो क्षमा न कर पाना मतलब मेरा दिल बहुत छोटा है स्मॉल हार्ट आई कांट अकोमोडेट अदर्स

जबकि वो बंदा जो है गलती रियलाइज कर रहा है मगर वो गलती नहीं भी रियलाइज कर रहा क्षमा क्यों नहीं है सो रुक्मिणी कृष्णा प्लीज हेल्प मी गिव मी सम स्ट्रेंथ दैट आई कैन फॉरगिव मैं माफ कर सकूं इनसे मांग लीजिए और वो क्षमा करने की शक्ति भी देंगे यस दे आर वेरी पावरफुल बट मोर यू ग्रो इन भक्ति इट इज इजियर टू फॉरगिव मोर वी आर वीक इन भक्ति इट इज डिफिकल्ट टू फॉरगिव तो जब माफ नहीं कर पा रहे ना गाना जी मैं जिस जो बंदे ने जो काम किया वो सेकेंडरी मेरे लिए इट्स अ रिपोर्ट कार्ड फॉर मी आई हैव अ स्मॉल हार्ट आई कॉन्ट फॉगिव ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है इट्स सच अ सैड रिपोर्ट कार्ड सी माइनस डी माइनस मार्क्स मिलने चाहिए मेरे को मैं माफी नहीं कर पा रहा या माफी नहीं मांग पा रहे ये भी ईगो होती ना हम क्यों माफी मांगे जी हम क्यों झुके हम ही क्यों झुके सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं तो इन आपका सर जरूर कटेगा ये कभी कभी सर झुकाना भी हमको सीखना चाहिए झुकना तो तो ए, 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 ए भी सीखना चाहिए सो इसलिए जब गलती हो माफी मांगनी भी चाहिए और कोई गलती हमसे वो हमसे क्षमा मांग रहा है माफ करना चाहिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर को बाइस बाजारों पीटा उसके बाद भी उन्हें ग्रज नहीं आया कुत्ता

Jean, Jean, अरे अरे कुत्ता साला जीतो राम 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 अरे जी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओ लग रहे पंद्रह पंद्रह मिनट एक एक माला को लग रहे हैं भाई सोला माला में अगर चार घंटे लग रहे हैं। oh Lord, हो गया काम जो काम डेढ़ घंटे में हो रहा है ढाई चार चार घंटे में हो रहा है वो भी कैसा बट right? so सबसे गलती होती है कब तक ये रंज लेके चलते रहेंगे उसने ऐसा किया उसने वैसा कर दिया अन्याय किया था उसने ऐसा कैसे उसको याद है, दो, सन दो हजार दो में आपने मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी दो हजार दो हजार तेईस आ गए लेकिन सो so व्हाट वो जख्म आज भी है अल्ह तो भाई हो गया काम असल में जखम भर भी जाए भगवान जखम भर भी दे हम उंगल मारते रहते हैं जखम में ना बार बार बीच बीच में जैसे ना खरीन बन जाता है ना यहाँ पर कोगलेटेड ब्लड उसको निकाला फिर उसका कचूमन निकाला फिर यहां से खून निकल आया फिर वो जम गया फिर फिर कुछ सोचते सोचते खराच खराच फिर उसका मलिदा निकालेंगे फिर यहां से खून निकलाया फिर वो जम गया फिर निकाला ये ये भरने वाला है भरेगा ऐसे तो बार बार उसमें उंगल, उंगल मारते रहोगे तो कहां से ठीक होने वाला वो इस तरह से यहां भी कि अगर किसी ने जख्म दिया आपके बार बार उसमें उंगल, उंगल मारते रहेंगे अगर क्यों कर दिया क्यों कर दिया ऐसे कैसे ऐसे कैसे क्यों कर दिया क्यों कर दिया ऐसे कैसे ऐसे कैसे कैसे कहते कैसे कहते कैसे कहते हमसे माफ नहीं हो पा रहा तो तुम उंगल मारते रहो तो माफ क्या तुम्हारे पिताजी करेंगे इसलिए थोड़ा ना उसको छोड़ दो भाई अगर रुकने कृष्णा था थोड़ा किसने जख्म दिया था वो हील आप ही कर सकते हैं कृष्णा दैट्स वे टू डू या ठीक है yeah. जी और ओके okay, एक प्रभु का सवाल लेते हैं यस yes. yes, नारी मुक्ति मोर्चा होता पुरुष मुक्ति मोर्चा हमारे सवाल नहीं हो रहे माताओं के वो सवाल हो रहे हैं आ, बोला बोल बोले मजाक कर रहे हाँ जी हाँ अगर कोई नाभाष देता है अब मुंह मुझसे निकल गया इसको कौन सा अनाभास बताया था हमने

शुद्ध नाभास एंड देन शुद्ध नाम ये हम सबकी लाइफ में यही ही फ्लो होने वाला है ठीक है जी लेकिन अजामिल केस के में थोड़ा सा उसने एक स्टेप स्किप कर दिया इसमें क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया तो केस में अशुद्ध नाभास अगला जन्म हरिद्वार में लिया शुद्ध नाभास और शुद्ध नाम ये अजामिल केस के में हुआ मींस क्विक डिलीवरी बिकॉज एनी ऑफेंस हमारे ऑफेंस आता है तो इससे थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाता है पर उसका थोड़ा क्विक हो गया अजामिल का बिकॉज अपराध नहीं किया उसने इसीलिए ठीक है ओके आज चर्चा करेंगे आज शाम पे इस बात पे यस विल डू दैट ओके हाँ जी यस yes, प्रभु बताइए यस yes. हरे कृष्णा जिस व्यक्ति को आपने क्षमा किया हाँ अच्छा बार बार वही सेम हरकत करे तो बार माफ करना है एक बोलते हैं फॉगिव एंड फॉगेट पर अगर वो नालायक है देन फॉगिव बट डोंट फॉगेट ठीक है ना माफ करना अच्छा रहता है पर भूलना नहीं है थोड़ा बदतमीज आदमी डिस्टेंस रखना है उससे दैट्स ओके ठीक है ओके लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस क्विकली यस हाँ जी यस yes. हाँ पूछिए पूछिए ओके हरे कृष्णा यस साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी साइंस डील्स ग्रॉस मैटर स्पिरिचुअलिटी वेल हम साइंस वाले से पूछते हैं ये सेल तेरे पिताजी ने बनाया था ये सेल कहां से आया राइट right? अच्छा किसी ने उस सेल को देखा है कि देखो एक सेल है अब सिंगल सेल से मल्टीपल सेलुलर एंटिटीज बनेंगे mm -hmm. एल्गी बनेगी हम्म एक्वाटिक एनिमल्स बनेंगे आ फिर मैमल्स बनेंगे ओहो उसे बनेगा फिर एप मैन आ उसे बनेगा बंदर उसे बनेगा इंसान आओ oh. क्या आपने देखा है इसको नो no. फिर कहां से निकाला खोपड़ी घुमा करके सो इसलिए मॉडर्न साइंस वर्क्स यूजली ऑन एक्सियॉम्स फाइंडिंग्स स्पेक्यूलेशन इमेजिनेशन कैलकुलेशन पर किसने देखा नहीं है वो हुआ है कि नहीं हुआ है राइट right? सिंगल सेल से दुनिया बनी सिंगल सेल से दुनिया सिंगल सेल में ये बुद्धि कैसे आई कि मेरे को मल्टी सेलर बनना है उसमें फंक्शनैलिटी किसने इंस्टॉल की बिग बैंग अगर हुआ तो मसाला कहाँ से आया बम फूटने का सुतली माँ किसने लगाई कि बम फूटता है कोई सुतली में लगाता है ना जब बिग बैंग हुई तो कोई सुतली में लगाने वाला होगा ना राइट right? कि भाई ओके okay, हिग्स बोजोन भावो पूरा फूटा धूम फिर उसके बाद फिर ब्रह्मांड की रचना होनी शुरू हुई ऐसे हुआ जैसे कोई कुछ आप पूछो प्रभु जी मंदिर आपने कैसे बनाया हम बोले जी एक्चुअली हमने कुछ ईंटें ली थी कुछ सीमेंट की बोरियां ली थी उनमें नीचे डायना फिट किया हमने और फटा तुम और ये मंदिर बस बनता ही चला गया पंखे इंस्टॉल हो गए लाइटें लग गई और ऐसे ऑल्टर बन गया ये एक डायनामाइट का कुछ सीमेंट की बोरियों का और कुछ हजार किलो ईंटों का कमाल है श्रीजी पर पर सुतली नाग लगाई थी हमने खुद देखा उनको फिर आप क्या बोलेंगे प्रभु जी मेक सेंस ये मंदिर निश्चित रूप से बम फटके ही बना होगा मेक सेंस मेक सेंस नहीं ना जब एक मंदिर बनना विच स्मॉल स्ट्रक्चर ये बम फटके नहीं बन सकता तो पूरा ब्रह्मांड बम फटके है हाउ हाउ रिडिकुलस इट इज तो इसलिए सिंगल से, 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 सेलर सब कुछ आया इट्स अ स्पेकुलेशन हमें ये इनके कुछ ऐसी थ्योरी देनी जिसमें भगवान को नक्की किया जा सके तो ये सब आलतू फालतू थ्योरीज आती हैं तो फिलहाल अब पढ़ लो स्कूल में ये नहीं कर रहा हूँ जाके वहाँ होल्ला कर देना क्रांति मचा दो झूठ पढ़ाया जा रहा है हमको एनसीआर किताबों में हमें सब एक्सपोज कर दिया है ऐसा मत करना देखो जो पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो एग्जाम तो दो

नीचे घास खाते थे नीचे घास खत्म होगी तो पेड़ों पर पे खाने शुरू कर दी उसे करते 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 उनकी गर्दन लंबी होगी होते 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 फिर घोड़ों से जिराफ बने तो बाकी घोड़े घोड़े को रह गए राइट और कुछ ऐसे होने चाहिए जिनकी गर्दन बीच में होनी चाहिए जिनको बोला है ताऊ जी कुछ समय की बात है आपकी भी गर्दन हो जाएगी धैर्य रखो यहां तो घोड़े हैं यहां जिराफ है कोई जिराफ नहीं है बीच का कुछ वो तो होना चाहिए इवॉल्व करते करते बीच में था सर Just for some time. Evolution चल रहा है आप रस्ते में हो एक दिन आपकी भी गर्दन लंबी हो जाएगी डोंट वेरी ऐसा है, ऐसा है? नहीं। तो इसीलिए और इवन चार्ल डाविन बुक में लेता है ओरिजिन स्पीशीज आई हैव टू यूज माई स्पेकेशन टू कंक्लूड दैट वी आर कमिंग फ्रॉम दी एप मैन

ये ही पढ़ सकते हो आप चीथड़े थोड़े उड़ा दे मतलब पढ़ लेगा ना वो कहीं से छत से कूद के मर जाएगा वो यार यार ऐसे पोल पट्टी खोल दी तुमने हमारी यार। ठीक है तो ये पढ़ सकते पर एनसीआर बुक पढ़ लेना एग्जाम पास करने के लिए लेकिन है बकवास बातें कुछ नहींसोरी क्वेश्चन पूछिए हाँ, yes. हाँ पूछ लीजिए yes. हाँ हाँ जी शेष के वाहन गरुड़ जी नहीं नहीं ऐसा नहीं है नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं गरुड़ जी जो है श्रीधाम सखा के एक्सपेंशन है तो फिर घोषणा चैतन्य भागवत में लिखा है लेकिन भागवत में जो लिखा है उसमें बताया गया कि श्रीधाम सखाई ये भी होता है कि ना दे आर टू पर्सनलिटीज ऑल्सो इन वन एंटिटी ऐसे होता है सो so पॉसिबल उसके पीछे माता जी यस हाँ जी पूछे, 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 यस वो क्या है हाँ हाँ पूजा की ऑफरिंग्स में हाँ या, या। देखिए होता क्या मांस शब्द के ना दो मीनिंग होते हैं एक होता है फ्लैश एक होता है पल्प इवन द पल्प ऑफ मैंगो इज ऑल्सो समटाइम्स कंसिडर एज मांस इट्स अ पल्प सो पल्प इज एक्सेप्टेबल सेकेंडली क्या अगर हम इसको लिटरली मांस लेके चले दैट मीन इट इज एक्चुअली फ्लैश सो तामसिक जो वर्शिप होती है उसमें फ्लैश ऑल्सो बिकम्स ऑफरेबल थिंग पर कौन सी वर्शिप में तामसिक तामसिक worship इवन राजसिक के अंदर भी एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होता तामसिक worship होता है सात्विक में तो हवन यज्ञ वगैरह कर लेंगे और निर्गुण ऑफरिंग में आता है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ऑफरिंग और हार्ट टू तो कृष्णा अब हार्ट तो देंगे नहीं तो क्या देंगे फिर कहता है बकरी का हार्ट दे दे सो इसलिए एनिमल सैक्रिफाइस इज आल्सो पार्ट ऑफ worship बट फॉर तामसिक पीपल इसलिए ये सब लोग कहीं ऐसे नेपाल ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पर कि उनके वो चल रहे है, कुल उनके कुल देवता हैं कुल देवी हैं उनको बकरा चढ़ता है राइट right? वो मंत्र मंत्र बोल करके चक काट देंगे और बकरे पे बकरे इकट्ठे होते हैं और ये वन ऑफ द रीजन था वन ऑफ द रीजन ये उत्तराखंड में बाढ़ क्यों आई थी बिकॉज ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस का कार्मिक रिएक्शन था वो सो इट इज तामसिक ठीक है जी ओके यस हाँ जी हाँ सेवा के बारे में यस कैसे पता मतलब चलेगा कि सेवा अच्छी हो रही कि नहीं हो रही आपकी सेवा से अगर आपके आसपास के भक्त खुश हैं इसमें मतलब सेवा अच्छी से हो रही है ठीक है जी और हाँ जी यस ओके okay, चैंटिंग करते वक्त कोई दूसरी सेवा आ जाए तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए अगर वो इमरजेंसी वाली है तो कर लो इमरजेंसी वाली नहीं है तो चैंटिंग की बात करो ठीक है हमारे सबको मैसेज भेजने हैं ये तो दस बजे भी कर सकते हैं अभी चैंटिंग कर लो कोई इमरजेंसी सेवा आएगी फला फला कोई माता जी आ रही है उनको वेलकम करने के लिए जाना है गेट पर तो चैंटिंग छोड़ो वेलकम करने के लिए जाओ सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्विस ठीक है ओके नेक्स्ट हाँ जी यस yes, माता जी हाँ पूछिए ओके दो क्वेश्चन यस

सेवा फिर हम और थोड़ा सावधानी से करेंगे ठीक है दूसरा सवाल जी मेरे कुछ लेके क्या हो क्या ले आओ दे दो और किसे को सवाल हाँ बोलो बेटा रेगुलरली और सेंसियरली बोला कैसे पढ़ सकते हैं एक तो क्या है कि ना देखो रेगुलर कभी कभी हो पाता है कभी कभी नहीं भी हो पाता मान लो कि एग्जाम्स आ गए

राइट right? इस तरह से महीने का टारगेट रखें हर रोज का टारगेट पूरा नहीं हो पाता फ्रस्ट्रेशन होती है ये कर सकते हो आप ठीक है हालांकि माता जी यस लाओ जी सो व्हाट इज इन देयर ओके आई फॉर हम बोलो बेंस डू यू एट योर लोटस स्वीट आई डोंट हैव लोटस स्वीट आई हैव कैक्टस स्वीट ओके थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू कृष्णा एज अ स्मॉल पेंटर There is uh, nothing more I can offer you than this humble gift that I made on the occasion of Gaur Purnima. I saw in one of your videos that you have created a meditation wall in your room filled with paintings. Therefore, I took the courage and gift you this painting. So please think of it as my Guru Dakshina. Oh, take it. And accept it. I hope you like it. Uh, praying for your well being, your. संजीवनी डे इट इज सनडे एंड वी हैव संजीवनी डे तो बहुत बेकार पेंटिंग बनी है ये तो। ओ हो, देखिए कैसी अजीब सी पेंटिंग बना दी दिस इज सुपर डुपर मार्वलिस पेंटिंग माय गॉड मतलब बाल भी बाहर निकल निकल करके आ रहे हैं Wow. ये तो वाकई में आपने बनाई थी दिस इज सच में पूरी बाबा दिस इज रियली ऑसम सो दिस इज लॉर्ड गौरंगा ये मेरी संजीवनी बूटी है नाइस थैंक यू थैंक यू सो मच हाँ ये चिट्ठी भी हम रख लेते हैं अपने पास थैंक यू सर नाइस गिफ्ट इसको हम लगाएंगे अपनी वॉल पे लगाएंगे इनको देखकर फिर हम गायत्री क्या करेंगे यस yes, ओके okay. और कोई सवाल यस किसी का हाँ यस बोलो बेटा अरे कृष्णा क्या करें गुस्सा आता है बस गुस्सा मत करो देखिए जितना आपके जीवन में तमोगुण कम होगा ना आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा गुस्से का सोर्स क्या है तमोगुण तमोगुण की मिट्टी में ही क्रोध के पौधे उगते हैं जब मिट्टी नहीं रहेगी तो पौधा कहा से उगेगा राइट right? तो भक्ति करके तमोगुण को काटिए गुस्सा भी कम हो जाएगा ठीक है और हाँ जी यस ब्रह्मचारी अब ऐसे हाथ खड़ा तो कैसे देखेंगे हम? ऐसे खड़ा करना होता है, बोलो जी, छह सात महीने पहले टेंपल में सर्विस कर रहा था ओके उसका अच्छा था हम्म वो घर चला गया थोड़ा ऊंचा बोलिए आगे आ जाओ ना ये नाजुक ब्रह्मचारी हैं हाँ जी बोलो जी यस ओके okay, ओके okay, हाँ ओके okay, तो एक भक्त था जो मंदिर में सेवा करता था फिर उसने मंदिर में सेवा करने छोड़ दी अब वो बाहर सेवा करता है उसको लगता है था कि मैं मंदिर में सेवा करता था मुझे लगता मानो में ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो सर्विस एटीट्यूड मुझे आया नहीं मुझे कभी इंस्पिरेशन आई नहीं तो इंस्पिरेशन भला हमें भगवान से मिलेगी तो भला कहां से मिलेगी ये सवाल है राइट right? ओके okay. देखो जितने भी आप सेवा करते हैं ना सेवा के साथ साथ श्रवणम करना बहुत जरूरी है अगर मंदिर में सेवा करने वाला व्यक्ति श्रवणम नहीं करेगा पठनम नहीं करेगा तो उसको लगेगा बस मैं भागदौड़ी कर रहा हूं और क्या? यहां भागा है, वहां भागा ये उठा पटा ये वो बस ये लगेगा उसको इसलिए ब्रह्मचारी के लिए भगवदीता तो में क्या बताया गया ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए स्वाध्याय ब्रह्मचारी जीवन इज मेंट फॉर स्वाध्याय तो ब्रह्मचारी अगर मोबाइल फोन पे लगा रहेगा सेवा करेगा मोबाइल फोन में लगेगा सेवा करेगा मोबाइल फोन लगेगा अरे ऑफिस है तो क्या है। तो काका जी कुछ सुनते थे आप ना मॉर्निंग आते थे न तो ऐसा ब्रह्मचारी फिर एक दिन चला जाता है उसके लक्षण एक दिन ये तो इसका एक दिन शहनाई बजेगी बजेगी इसकी यस तो इसीलिए श्रवणम वगैरह करना जरूरी होता है सेवा के साथ साथ, साथ ही होता क्या है जब हम सेवा करें सेवा के अंदर सेंस ऑफ कोऑपरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लोग भारी मेहनत करते हैं सैलरी लेते हैं लेकिन ब्रह्मचारी तो सैलरी नहीं लेता तो इसलिए यहाँ की सेवा को ऑफिस के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते वहां पर फ्रूटी मेंटेलिटी है काम करेंगे पैसा आएगा तो पेट पलेगा रे मेरे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा ये सोच करके नौकरी होती है यहाँ पर हम पापी पेट के लिए करते हैं ना हम तो खुशी के लिए करते हैं so कर तो सो तो खुशी मिली नहीं मेरी तो खुशी मेरी तो खुशी मेरी खुशी, खुशी, खुशी।, खुशी तो एक जीवन एक समय उसके जीवन में एक माता जी आती है उसका नाम होता है खुशी माता जी कहते ये है मेरी खुशी आपको पूरा नाम हमारा नाम खुशी चौकटी हम किसी खुशी के लिए जीते हैं हम रुक्मणी कृष्ण की खुशी के लिए जीते हैं दैट्स अ ब्रह्मचारी आश्रम तो इसलिए ब्रह्मचारी जीवन आराम से जी का ब्रह्मचारी का सिर्फ एक ही दुश्मन है उसका मन और सब कुछ दुश्मन नहीं है ब्रह्मचारी आश्रम ये बगल मेरा ये ना धोकर ये मंदिर आना है ये वहां वजह आना है इजी लाइफ ब्रह्मचारी सोने सोने के लिए क्या चाहिए छह फुट बाय दो फुट का कोई भी जगह अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अस्सी सौ कहीं पर भी सो जाए क्या बस मुझे 6 फीट बाई दो फीट दैट्स इट प्रसाद अवेलेबल मंदिर में बनता है प्रसाद मतलब मंदिर में ना बने उसको किसी भी गृहस्थ को बोलना है प्रभु जी प्रसाद में अरे पूछने की बात है आओ चलो प्रसाद हो जाएगा सब आराम से हो जाता है ब्रह्मचारी कुछ नहीं लाइफ में उसके एकदम टकाटक स्मूथ उसकी लाइफ में एक ही विलन है जो बहुत बड़ा विलन है उसका नाम है ब्रह्मचारी का खुद का मन अगर उसका मन ठीक नहीं है ना इवन दो ब्रह्मचारी जीवन इस सिल्की स्मूद लाइफ फिर भी इसमें राड़ा वाड़ा होगा क्यों देखो गाइडेंस लिए हमें जाना पड़ता है प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा प्यासा बोले कुआं तो आया ही नहीं कुआं तो आया ही नहीं जब कुछ नहीं आएगा तो प्रभु जी प्यासे तो मरेंगे ना फिर हम तो चोटी पाई तुमको कुएं के पास जाना चाहिए और पानी पी लेना चाहिए था गाइडेंस ले लेनी चाहिए थी क्या कोई कमी है क्या अब तो फोन भी है यहाँ तो ये होता पौराणिक काल की बात है कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं अब तो किसी से भी जूम पे बात कर लो किसी से आप व्हाट्सएप पर बात कर लो ई कर लो शीमेल कर लो कुछ तो कर लो वह अकेले बैठ के ब्रह्मचारी कुर्ता रहेगा क्या होगा मेरा क्या होगा बुढ़ापे मेरा क्या होगा ये मंदिर वाले मेरे को पालेंगे नहीं पालेंगे पालेंगे नहीं पालेंगे नहीं पालेंगे तो फिर मैं गुवाहाटी में किसी मंदिर के बाहर बैठ कर भीख मांगा ए कृष्णा के नाम पे दे दो भाई मैं बुढ़ा हो गया इन्होंने निकाल दिया मेरे को ए, ऐसा होगा ये सब खिचड़ी कहां पकाता है वो मन में इससे ब्रह्मचारी का सिर्फ एक ही दुश्मन उसका मन अपने मन को संभाल ले स्मूथ लाइफ है ब्रह्मचारी जीवन मतलब ये तो आजादी है आजादी कहा है ब्रह्मचारी जीवन में बेस्ट लाइफ कृष्ण के लिए जीना कृष्ण के लिए मरना और कोई भौतिक कार्य है ही नहीं कुछ जो सुनना सबको बताना कुछ संसारी बात करनी नहीं कुछ है नहीं जस्ट कृष्णा क्या चाहिए और ये तो चाहिए मस्त ब्रह्मचारी बीमार पड़ता है उसको बाकी ब्रह्मचारी ले जाते हॉस्पिटल मस्त है बढ़िया है।, तो तो है ब्रह्मचारी जीवन ए वन मेरा तो फेवरेट आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम भगवान से जितनी मेरी प्रार्थना की है जितने जन्म देने हैं दो लेकिन मेरे को ब्रह्मचारी रखना A1. लेकिन एक चैलेंज जो है ब्रह्मचारी को रहेगा ग्रस को भी है वो ऐसा नहीं है ग्रस बोले हमारा हमारा मन मन चंगा है दिक्कत है बाहर च... एक दिक्कत तो सबको कलयुग में वो है उनके मन की इसलिए भगवदीता भगवान मन को एड्रेस कर रहे हैं मन वश में है यू आर लिबरेटेड प्रैक्टिकली एक श्लोक है उसके अंदर सुपर सोल कितना इंपॉर्टेंट है मन So, ब्रह्मचारी धुलता है तो सिर्फ एक कारण की वजह से उसके खुद के मन की वजह से इसे वहन गीता में कह रहे हैं मन मना मन को मना करना सीखो मत भक्तो तो मेरे तो। श्लोक सुना है ने? मन मना भक्तो मध्या जीवन शुरू मन मना का मतलब क्या है मन को मना करना सीखो ये मेरी ट्रांसलेशन है, ठीक है। <laughs> मतलब मैं मन को मेरे में लगाओ कृष्ण में लगाओ ठीक है जी तो हम सबका एक कॉमन विलन है हमारा खुद का अपना अपना मन उसको संभालना है ठीक है जी ओके टाइम तो हो गया वैसे हाँ जी हाँ हाँ हाँ, हाँ। अच्छा उसका सीक्रेट क्या है लोग मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं मैं पॉपुलर हो रहा हूं इसका राज क्या है हो हाँ चुके हैं ये कहावत में सुनी है खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान ये कहावत का उत्तम उदाहरण है अमोगली गदास। ये है कौन गधा लेकिन आज का पहलवान मुझे घूम रहा है आजकल क्यों क्योंकि खुदा हो रखे इसलिए खुदा की मेहरबानी हट जाएगी तो गधा अपनी असली औकात में आ जाएगा तो मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है रुक्नी कृष्ण करा रहे हैं तो गाड़ी चल रही है गाना था ना बॉलीवुड का जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना तो यही है जितनी चाबी भरी शाम ने उतना चले खिलौना चाबी खत्म खिलौना बंद कहता अमोगलापू गायब हो गया कहते हाँ उनकी चाबी जितनी भरी थी ठाकुर जी ने चाबी पूरी हो गई उनकी ना अमोगलापू हैज गॉन टू तो बरमुडा ट्रायंगल तो इसे हमारा कुछ भी नहीं है जो करने वाले ठाकुर जी प्रभुपा जी की कुछ इच्छा है तो हमसे कुछ काम करा रहे हैं वो दैट्स इट हमारा कुछ नहीं है जैसे आपको आवाज किससे आ रही है ही से आ रही राइट है ना ये लाउड स्पीकर बोले देखा मैंने कितने भक्त बनाए कहता है बेटे तुम्हें जो आवाज निकल रही है ना वो यहां से आ रही है अगर स्पीकर बोलेगा नहीं तो इसमें से क्या आवाज निकलेगी राइट तो हमारे आचार्य हैं जो बोल रहे हैं अमोलियादास क्या है स्पीकर है बस ऐसा कुछ नहीं है हमें कभी नहीं बोलना चाहिए हम तो क्या है स्पीकर है बोलने वाले है हमारे प्रभुपाद जी यस, yes. एक बार मेरे मेरे गुरु महाराज मेरे को बोले अमोग लीला डोंट थिंक इट इज या, तो जी से कनेक्टेड तुम्हारा यश फैल रहा है कल बताऊ अपनी एक अलग सोसाइटी खोल लू इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अमोग दास कॉन्शियसनेस देखना मेरे youtube वीडियो देखना बंद हो जाएंगे सब कहता हूं आनी पागल हो गया भाई हम जब तक हम स्कॉन में प्रभुपाद जी के संपर्क में हैं हमारी औकात है इनसे अलग होकर के दो कौड़ी की औकात नहीं हमारी कुछ नहीं ये पेंटिंग मुझे लगता है ये कभी बना के देगी मेरे को बिटिया नानी बड़ी सानी कभी नहीं कहते प्रभु जी आपने युवान छोड़ दिया कहता पेंटिंग वापस कर दो प्रभु जरा मेरे को हां तो ये सब कने वाले ठाकुर जी हैं हम तो उनके छोटे से इंस्ट्रूमेंट है और हम क्या कर सकते हैं an ordinary person. जी और ये बात नहीं भूलनी कभी नहीं हम चाहे कुछ बड़ा करें छोटा करें ये हमारे आचार्य हैं उनकी शक्ति है जो फैल रही है वो शटर बंद कर देंगे कुछ नहीं होने वाला बल्ब में अगर पीछे स्विच बंद कर दो ना बल्ब की सारी बत्ती गुल बल्ब से रोशनी इसलिए बिकॉज पीछे से स्विच ऑन है कृपा का स्विच ऑन है ये कभी नहीं भूलना चाहिए आचार्यों ने स्विच ऑन कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कृपा की तो बल्ब जल रही है हमारा ये तो फ्यूज बल्ब है उनकी में इतनी शक्ति है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज बल्ब भी जला दी उन्होंने वाह अद्भुत सो ये कृष्ण की महानता है ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की महानता है ये हमारे आचार्यों की शक्ति है विच इज वर्किंग हमारा क्या है हमारे ऐसे कहीं आए कहीं गए आज मान लो अगर मैं निपट जाता हूँ ठीक है वो मेरे नाम की सुपारी देखिए मेरे को निपटा देता है तो क्या भगवान का प्रचार बंद हो जाएगा भगवान दस अमोग खड़े कर देंगे भगवान के लिए कुछ नहीं है आ, तो प्रीचिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमोगली मेरे जैसे अल्ले गल्ले कहीं आए कहीं गए एवरीथिंग इज ऑन ठाकुर जी एंड श्री प्रभुपाद जी ठीक है जी राज हो ओके टाइम तो बहुत हो गया जी आप साढ़े दस बज चुके हैं यहीं पे विराम देते हैं अभी हम एक छोटा सवाल चैरी ऑन द केक बोलिए जी जी हाँ क्यों बोलते हैं कौन बोलते हैं किन से सुना मां बोलती है उनको बोलना जय माता दी जय माता दी देखिए होता क्या है असल में जल आप डाल सकते हैं जब तुलसी मारने प्रकट हुई थी तो वो दिन था द्वादशी का दिन

लेकिन आपको जल तो डालना है वो सेवा है प्लकिंग इज समथिंग विच कैन गिव पेन टू हर तो प्लकिंग वाला काम हम द्वादशी के दिन नहीं करते एकादशी के दिन भी कर सकते हैं ना व्रत होता है डे ऑफ एकादशी you can pluck. पर द्वादशी के दिन प्लकिंग नहीं करते लेकिन जल वो हमारी सेवा है वो सेवा हम नहीं रोकेंगे आज आपका बर्थडे है सुखी रहो सुखी रहो नहीं सुखी

Plucking नहीं करनी, पर किस वजह से नहीं करनी बिकॉज इट संडे नहीं बिकॉज इट इज द्वादशी ठीक है जी ओके okay, पूछ लीजिए yes. हाँ कुछ नहीं मन को बस मना करो मन नोटी बस जाता है वो सो सिंपल सो सिंपल देखिए मन को तारने के लिए है मंत्र मनह इति मंत्र का नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, राम। इस तरह से मंत्रेगा सा, साथ ही साधु संतों के संग में रहे ठीक है जी ऐसे होगा ये वे विराम देते हैं ढाई घंटे हो चुके हैं मेरे को नौ से दस की क्लास बोली गई थी सॉरी आठ से नौ की क्लास बोली गई थी और मैंने सिर्फ डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा लिया है तो यहीं पे विराम देंगे अभी हम हरे कृष्णा शुभ प्रभात की जाए आपसे भक्तों की जाए हरे कृष्ण हरी हरी बोल जय हो yes ah like, like, yes what else Jay. Okay. laddu jai, Jaganaas. jai swami nice. thank you so much for all the all the time. Of, for that also such <laughs> Thanks to <TV>. you. <Nice. laughs> okay, what is